गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्कार। उम्मीद है कि आप मेरी मेरे प्रेजेंटेशंस देख रहे हो और आपकी लर्निंग चालू हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे प्रेजेंटेशन पसंद आ रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रेजेंटेशंस शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी नेटवर्किंग का कुछ नॉलेज ले सकें। तो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट नंबर वन ऑफ वॉल्यूम 1, जो कि CCNA से हमने लिया हुआ है, CCNA की सर्टिफाइड सिस्को प्रेस बुक से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर वन के अंदर में 3 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू TCP/IP नेटवर्क, फंडामेंटल ऑफ इथरनेट एंड फंडामेंटल ऑफ वैन एंड आईपी राउटिंग। चैप्टर वन के अंदर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू TCP/IP नेटवर्क नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू TCP/IP नेटवर्क, ठीक है, TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल, हिस्ट्री लीडिंग टू TCP/IP, ओवरव्यू ऑफ TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल, TCP/IP एप्लीकेशन लेयर, HTTP का ओवरव्यू और सेम लेयर एंड एडजेसेंट लेयर, इंटरैक्शन। तो ये सब चीजें हम आज देखने वाले हैं। हमारी ये किताब सिस्को सर्टिफाइड 200-301 ऑफिसर सर्ट गाइड वॉल्यूम 1। ओके, तो जैसे कि हम TCP/IP के बारे में जानने के लिए स्टार्ट करते हैं, TCP/IP क्या है ये समझेंगे हम। तो ये विद द स्टार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग जब शुरू हुई तब 1990 के दशक में, 1980 के दशक में सारे वेंडर जो थे वो, जैसे कि जिनका एग्जांपल IBM, DCNet और आपके नोवेल नेटवर्क वगैरह वगैरह, ये सारे नेटवर्किंग के अंदर में काम कर रहे थे, डिवाइसेस बना रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनके बीच में आपस में कोई इंटर कम्युनिकेशन नहीं होता था, इंटर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। तो उस समय के लोगों ने ये सोचा, डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो नेटवर्किंग के मॉडल या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेटवर्किंग करे। तो यही 1970 के दशक में ISO मॉडल जो है वो स्टार्ट, ISO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, जिसने एक OSI मॉडल के नाम से एक मॉडल बनाया, जिसका काम यह था कि लोग उसको देखकर, उसको रेफर करके, उसको उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना करके अपने नेटवर्क के इक्विपमेंट बनाए थे, ताकि उससे क्या हो कि कंपटीशन बढ़े और एक्सपेंशन हो इस बिजनेस का, इस मॉडल का, नेटवर्किंग लाइन का, और उससे क्या हो कि आपके यूजर को सहूलियत भी हो, क्योंकि जब 3-4 वेंडर, अलग अलग वेंडर का अगर कोई नेटवर्क बनाना चाहता था तो उसे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो यही सोच रखकर उन्होंने एक OSI मॉडल का निर्माण किया। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग मॉडल, यह है उसका नाम। उसका काम क्या था वो यह है, ISO हैज ए नोबल गोल ऑफ OSI मॉडल टू स्टैंडर्डाइज द डेटा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल टू अलाउ कम्युनिकेशन अमंग ऑल कंप्यूटर अक्रॉस द एंटायर प्लानेट। तो ऐसी इनकी एक अच्छी सोच थी, लेकिन क्या हुआ कि यह चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसमें काफी हस्तक्षेप जो था गवर्नमेंट का था, तो ये काफी स्लो डेवलपमेंट हो रहा था इसका। इसी बीच में DoD के अंतर्गत इन्होंने एक दूसरा मॉडल बनाने का निश्चय लिया। उस दूसरे मॉडल का नाम था TCP/IP मॉडल। इस मॉडल के अंदर में उन्होंने जो मॉडल को तैयार किया वो 1980 के दशक में लोगों ने समझना चालू किया, यूज करना चालू किया 1980 के, और 1990 के दशक आते 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 तक कुछ लोगों ने तो OSI और TCP/IP दोनों मॉडलों को अपने नेटवर्क के अंदर में जगह दी। परंतु 1990 में देखा गया कि TCP/IP मॉडल जो है वो काफी फेमस हो गया है और काफी सक्सेसफुल मॉडल पाया गया। तो फिर क्या हुआ कि जो तो फिर क्या हुआ कि ओके okay. तो क्या हुआ कि वही मॉडल जो है वो
सभी जगह पर एप्लीकेबल होगा। इसका एग्जांपल है ओएसआई मॉडल ने आईएसआईएस बनाया था, तो आईएसआईएस ज्यादातर आईएसपी वाले लोगों ने इस्तेमाल किया, हालांकि एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर में टीसीपीआईपी का जो मॉडल है ओएसपीएफ मॉडल वो यूज में आया। तो चूंकि संसार में ज्यादातर एंटरप्राइजेस हैं और मेजरली ओनली फ्यू आईएसपीज आर देयर, तो आईएसपी की मात्रा काफी कम है, तो आईएसपी के अंदर में तो आईएसआईएस आज भी पाया जाता है, परंतु ओएसआई मॉडल जो है प्रचुर मात्रा में हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफैक्टो हो गया, हर 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 ऑर्गेनाइजेशन ने ओएसआई मॉडल का इस्तेमाल किया है। तो इसका इसका ये हुआ कि रीजन इसको आप देखोगे तो पाओगे कि ज्यादातर लोग ओएसआई मॉडल का के एक्सपर्ट होते हैं, सॉरी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के एक्सपर्ट होते हैं, ना कि आईएसआईएस के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा है और ज्यादा मात्रा में वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से टीसीपीआई मॉडल का प्रचलन चला और टीसीपीआई मॉडल ही टीसीपीआई मॉडल हो गया पूरे विश्व के अंदर में। ओके, तो ये थी इसकी हिस्ट्री। ये डायग्राम जो ये दिखा रहा है कि पहले 1980 के दशक में सब अपना अपना मॉडल इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद में टीसीपीआईपी ने उसकी उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी के लिए जगह ली, और 2000 के दशक आते आते सारे मॉडल्स खत्म हो गए और प्रोटोकॉल सारे खत्म हो गए, ज्यादातर खत्म हो गए और टीसीपीआईपी ही का वर्चस्व हो गया। तो ये जानकारी थी आपके बारे में, आपको टीसीपीआईपी के बारे में बताने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी कि टीसीपीआईपी मॉडल है क्या चीज, तो उसको समझने के लिए चूंकि देखिए सभी ने सभी के तौर तरीके में आपके ओएसआई को रेफरेंस मॉडल माना गया है, इसलिए मैं आपको ओएसआई मॉडल के रेफरेंस के हिसाब से ही आपको ये समझाता हूँ कि ये टीसीपीआईपी मॉडल कैसा था। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के अंदर में दो दो प्रकार की बातें होती है। एक होती है जो लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, सेम लेयर के बीच में कम्युनिकेशन और एडजेसेंट लेयर के बीच में कम्युनिकेशन। एडजेसेंट लेयर के बीच का कम्युनिकेशन मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो कि एक गवर्नमेंट का तंत्र है, सपोज करें कि गवर्नमेंट का तंत्र है, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कोई विभाग का मंत्री है, और विभाग के मंत्री के अंदर में ऑफिशियल है, ऑफिशियल के भी अंदर में जाएंगे तो लोअर लेवल कर्मचारी। तो इसमें कैसा होता है, लोअर लेवल का कर्मचारी लोअर लेवल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी के साथ बात करेगा। ठीक है, मंत्री जो है वो दूसरी दूसरी कंट्री के मंत्री के साथ में बात करेगा। चलो कंट्री का एग्जाम्पल ले लिया, तो कंट्री का ही कंटिन्यू करते हैं। तो कोई एक नीचे का ऑफिशियल जाता है किसी बाहरी देश में कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज के लेवल पे डिस्कशन करते हैं, फिर मंत्री की बात आती है, तो फिर मंत्री के लेवल पे जो डिस्कशन होती है वो मंत्री के साथ में होती है, फिर प्रधानमंत्री अगर गया तो प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री की बात होती है, और आखिरी में आता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ में वार्तालाप करता है, डिस्कशन करता है। तो इस तरह का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। प्रोटोकॉल क्यों बना हुआ है, इसका अलग एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर में कैसा होता है। फिजिकल लेयर के अंदर में जो है बिट होती है, बिट बिट मतलब करंट का एक करंट मॉड्यूलेटेड करंट, 0.5 सॉरी 5 वोल्ट का करंट है जो एक्सप्लेन करेगा बाय बिट की 0 है कि 1 है। ठीक है, +5 +5 +-5 वो -5 को समझेगा सामने वाला, +5 को समझेगा इधर वाला, ऐसे इस तरह से बात चलेगी। उसके ऊपर में आ जाती है डेटा लिंक लेयर, फिर उसके ऊपर में आ जाती है नेटवर्क लेयर, फिर उसके ऊपर में आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके ऊपर में आ जाती है सेशन लेयर, उसके ऊपर में आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, बिट को कैसे हम ट्रांसमिट करेंगे वो एक्सप्लेन करना। ठीक है, बिट की क्या रहेगी, किस उसका मॉड्यूलेशन क्या रहेगा, कनेक्टर कौन से लगेंगे, जैसे कि टीवी का कनेक्टर है तो टीवी का कनेक्टर का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन होगा फिजिकल लेयर पर। उसके ऊपर में आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के दो पार्ट है, एलएलसी और एमएससी। तो एलएलसी का काम है, एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, वो नेटवर्क से बात करता है, नेटवर्क लेयर से और फिजिकल लेयर से कम्युनिकेट करता है, तो वो दोनों के बीच का एक ब्रिज बनता है। उसी प्रकार उसमें जो दूसरा एक हाफ लेयर मैक लेयर है, उसके अंदर में एड्रेसिंग होती है, फिजिकल लेयर एड्रेसिंग। तो आपका जो लैन कार्ड होता है, अगर आपको अभी लैन कार्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आगे आपको ये दिखाऊंगा लैन कार्ड क्या होता है। तो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म होते थे, पहले एटीएम से कनेक्ट करते थे और फ्रेम रिले करके टेक्नोलॉजी थी, ये दोनों एटीएम और फ्रेम रिले वैन की
टेक्नोलॉजी वो भी आगे आएगा, वैन क्या होती है। तो ये दो प्रकार की टेक्नोलॉजी होती थी, और एंटरप्राइज के अंदर में लैन होता था। तो लैन के अंदर में ईथरनेट यूज करते थे। तो ईथरनेट का कनेक्टर अगर आपने देखा होगा तो हर एक लैपटॉप में लगा रहता है। तो उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्टैंडर्ड यहाँ डिफाइन होता है, ठीक है। उसकी केबलिंग किस तरीके से होगी वो यहाँ डिफाइन होती है। उसके ऊपर में आती है नेटवर्किंग लेयर, नेटवर्क लेयर। तो उसका काम क्या है, नेटवर्क में डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देना। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, एक प्रकार का अपने जैसे घर का एड्रेस होता है वैसा एड्रेस होता है। तो उससे क्या होता है, नेटवर्क के अंदर में अलग अलग डिवाइस आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्स डिवाइस के लिए भेजी है वो एक्स डिवाइस को मिलती है इसके द्वारा, और जो जो वाई के लिए है वो वाई को मिलती है। उसके ऊपर में आ जाता है TCP/IP, TCP/IP का सॉरी IOC के अंदर में उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सेगमेंट बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट ऑन द नेटवर्क। इसमें कुछ चीजें अलग होती है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर डिटेल, वो भी हम बाद में देखेंगे। फिर उसके ऊपर में आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो होती है वो होती है सेशन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। उसके ऊपर में जो आती लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, ये काम है उसका कि कैसे प्रेजेंट करना है डेटा को, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो देखा जाए तो एक तरह से ऐप है, यूजर इंटरफेस किस तरह से होगा, उसके ऊपर में क्या क्या दिखाना है, जैसे JPG फाइल मॉडल, HTTP है ना, HTTPS है, और ब्राउजर में क्या चीज से खुलेगा, ये सब चीज डिफाइन वहां पर होती है एप्लीकेशन। तो इस तरह से 7 लेयर का OSI मॉडल के अंदर में उन्होंने बताया नेटवर्क। अब यही OSI मॉडल को आप थोड़ा सा वो कर दें, कॉम्प्रेस कर दें। कॉम्प्रेस करने से क्या होगा, TCP/IP मॉडल बनेगा। जैसे कि ये रहा TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल ने क्या किया, उन्होंने ऊपर की 3 लेयरों को एक ही में स्थान दे दिया और उसको बोला एप्लीकेशन लेयर। उसके नीचे टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर सेम टू सेम है, नेटवर्क लेयर सेम टू सेम है, डेटा लिंक लेयर सेम टू सेम है, और फिजिकल लेयर सेम टू सेम है। तो इसके अंदर में कितनी लेयर हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लेयर हो गई इसके अंदर में, ठीक है। नीचे की तरफ से पढ़ेंगे तो पहले फिजिकल लेयर, यहाँ पर बीटन बाइट होगी, उसके ऊपर में डेटा लेयर की मैक एड्रेसिंग होगी, इसके ऊपर में आईपी एड्रेस जो नंबरिंग होगी आपके नेटवर्क की वो होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका नेटवर्क का TCP/IP मॉडल बना। ओके अभी ओके ये क्या है TCP/IP मॉडल का, एक इन्होंने क्या दिया हुआ है एग्जांपल, क्या है TCP/IP आर्किटेक्चर मॉडल एंड एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल। तो TCP/IP लेयर में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को एक ही कंसीडर किया हुआ है, और इसके अंदर में क्या क्या डिफाइन होती है, इथरनेट है कि वाईफाई है। इंटरनेट के अंदर में जो प्रोटोकॉल है वो आईपी है और ICMP है, जो उस समय का 80 के दशक में यहाँ पर ज्यादा प्रोटोकॉल हुआ करते थे, IPX भी एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में दो दो आते हैं, TCP और UDP। TCP और UDP क्या है, तो TCP जो है, TCP का एग्जाम्पल आप समझ लो कि ये बुलडोजर जो चलते हैं हमारे रोड पर, तो बुलडोजर जो रहते हैं वो काफी, उनके चक्के देखा आपने कितने लोहे के बने हुए होते हैं, ठीक है। पंचर होने का सवाल नहीं उसके अंदर में, ठीक है। वो किसी से टकरा जाए तो उससे नुकसान नहीं होना, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है, वो स्लो है। तो उसी प्रकार TCP/IP में TCP जो है स्लो प्रोटोकॉल है, उसमें रिलायबिलिटी होती है और भी काफी सारी चीजें होती है इसके अंदर में, ठीक है। तो वो क्योंकि थोड़ा हैवी वेट प्रोटोकॉल हो जाता है। ओके मैं इसका आपको लिखित वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो जब आएगा तो बताता हूँ, ठीक है। यूडीपी कैसा है, यूडीपी इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल। तो लाइट वेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, इसके अंदर में रिलायबिलिटी एक्नोलेजमेंट वगैरह की कोई जगह नहीं होती है। जी भाई मैसेज गया तो गया। इसका एग्जाम्पल अपन अगर रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर देखें तो पोस्ट ऑफिस से आने वाली चिट्ठियां, उसका चिट्ठियों का ऐसा है कि जो नॉर्मल वाले पोस्ट कार्ड वाली चिट्ठियां होती है या जिसमें एक्नोलेजमेंट की सुविधा नहीं होती वैसी वाली। तो इसमें इसमें किसी को कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा रास्ता पकड़ के जाएगा, कब तक जाएगा, ठीक है, वो मैसेज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, रिलायबिलिटी है कि नहीं है इसके अंदर में, ये सब उसके अंदर में नहीं देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई। और उसके ऊपर में आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर में एप्लीकेशन आ जाता है अपना, ठीक है। अभी जो हम देखेंगे वो यहाँ पर से देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो इसका काम, तो OSI मॉडल का आपको काम समझ में तो आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि TCP/IP मॉडल का एक्सप्लेनेशन, TCP/IP मॉडल का एक्सप्लेनेशन बताने के लिए मैं आपके लिए पेश करता हूँ
ओके, पहले डिफरेंस देखते हैं इसका अपन, ये कहीं डिफरेंस, हाउ इज टीसीपी आईपी मॉडल डिफरेंट फ्रॉम ओएसआई मॉडल, ये शायद इसके अंदर में अच्छा होना चाहिए। एक बार मैं खोल के देखता हूँ टीसीपी आईपी मॉडल का लेयर हिस्ट्री बायजू के अंदर में, ये देखो बायजू वाले में से देखते हैं हम। ओके, तो टीसीपी आईपी मॉडल वॉज डेवलप्ड प्रायर टू ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। द फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस एंड ट्रांसपोर्ट दैट करस्पॉन्ड टू द फाइव फर्स्ट 4 लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, एंड दिस 4 लेयर आर रिप्रेजेंटेड इन टीसीपी आईपी मॉडल बाय सिंगल लेयर कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। तो ऊपर की जो 4 है उसको मिलाकर उन्होंने एक बना दिया है जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, टीसीपी आईपी इज अ हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरएक्टिव मॉडल एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी, फंक्शन क्या है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर में, जैसे कि ये देखा आपने, फिजिकल लेयर फिजिकल का काम करता है, डेटा लिंक के अंदर मैक एड्रेस और नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में बातचीत करता है। नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, आईपी है, आरपी है, आरपी है। तो इसमें से हम फोकस करते हैं आईपी के ऊपर में, तो यह है एड्रेसिंग करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में 2 प्रोटोकॉल है, एक है यूडीपी और दूसरा है टीसीपी। टीसीपी आपका हैवी वेट प्रोटोकॉल है और यूडीपी जो है वो आपका लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ओके, तो नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन है टीसीपी आईपी के अंदर में। ए नेटवर्क लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। द नेटवर्क लेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड द नेटवर्क लेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर डिफाइंड इन दी इट डिफाइंड हाउ। क्या बात कर रहा है कुछ। ओके, जो आपके होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं उसको, जो टीसीपीआई के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको होस्ट टू होस्ट भी बोला जाता है। ओके, ये तो खोलने नहीं देगा तो छोड़ा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसके अंदर में, ओके, दूसरा एग्जांपल देखो। अब हम और कुछ जो मिस कर रहे हैं वो देखते हैं पहले तो। ओके, चलो यहाँ आते हैं, ये देखो। तो अभी ये नेटवर्किंग कैसे होती है पहले ये देखें इसके अंदर में, और डिटेल में देखते हैं हम नेटवर्क कैसे होता है। ये नेटवर्क एक एग्जांपल दिया हुआ है, टीवी, जो टीवी का को किस तरह से टीवी पे के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो है। ये आपका टीवी के बाद में जो भी है वो इंटरनेट है, क्लाउड दिखाया हुआ है। तो इसकी हमको इस डायग्राम के अंदर में जरूरत नहीं है समझने की इसके इसके अंदर में कैसे काम हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप को या हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस से, यहाँ पे कुछ जैसे हम राउटर भी बोलते हैं, स्मॉल राउटर। ओके, वो हमारा रियल राउटर और घर पे जो यूज करते हैं वो राउटर में काफी जमीन आसमान का फर्क है, परंतु उससे भी हम डीएसएल राउटर या राउटर ऐसा कुछ राउटर बोलते हैं। तो नीचे वाला एग्जाम्पल डीएसएल राउटर का। अच्छा, नेटवर्क भी 2 प्रकार के होने लगे हैं, एक एथरनेट केबल वाला नेटवर्क और दूसरा वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क किसको बोलते हैं, जो वाईफाई आप कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल के अंदर में उसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। उसी से आप लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो और दूसरी चीजें भी, आजकल वाईफाई में सभी सभी चीजें, होम डिवाइस जो है वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, फिर सोहो नेटवर्क, सोहो नेटवर्क स्मॉल एंड स्मॉल होम एंड ऑफिस नेटवर्क बोलते हैं सोहो नेटवर्क, SOHO, सोहो नेटवर्क। और दूसरा नेटवर्क कौन सा दिखा रहा है, ये एंटरप्राइज नेटवर्क। तो सोहो नेटवर्क घर के अंदर में इस्तेमाल करने वाले नेटवर्क को सोहो नेटवर्क बोलते हैं, या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करने वो छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। ये है सोहो नेटवर्क के बारे में। टीसीपी आई में नेटवर्क मॉडल के अंदर में हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी कि 1970 में, 70 से 80 के दशक में ये सब चालू हुआ टीसीपी आई पी मॉडल। 2000 के दशक में टीसीपी आई पी ने सारे संसार के ऊपर में इसने सबको हटा दिया और खुद ही एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल मॉडल बन गया, ठीक है। फिर ओवरव्यू ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी मैंने आपको बताया, फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है होस्ट टू होस्ट लेयर रहती है, क्योंकि इस ये अंत से अंत एंड टू एंड लेयर भी बोल सकते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं इसे। ओके, फिर टीसीपी आईपी में एचटीटीपी, तो ये आपका एप्लीकेशन एचटीटीपी एग्जांपल दिया है। एचटीटीपी एक एक प्रोटोकॉल का एग्जांपल दिया है। एचटीटीपी कैसे काम करता है, तो जो आपने इंटरनेट के लिए कोई वेबसाइट डाली आपके ब्राउजर के अंदर में, वो ब्राउजर के थ्रू वो यहाँ से एप्लीकेशन से
एप्लीकेशन से वो पैकेट को यहाँ देगा, ट्रांसपोर्ट पे देगा, ट्रांसपोर्ट के बाद में नेटवर्क देगा, नेटवर्क को देने के बाद डेटा लिंक को देगा, फिजिकल लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर पे जाएगा दूसरे साइड में, और फिर वो पहुंच जाएगा आपको, और वैसे ही उसके ऑपोजिट साइड में फिजिकल लेयर पे जाके वो उसको डिलीवर कर देगा। डिलीवर करने के बाद में वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा, वो मैक एड्रेस चेक करेगा, उसमें देखेगा कि ये मेरे लिए है इन्फॉर्मेशन। जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है, हमारे मेरे डिवाइस के लिए है, तो वो फिर नेटवर्क लेयर को देगा, नेटवर्क लेयर को देने के बाद में वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर को देने के बाद में वो एप्लीकेशन लेयर पर देगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी का इसी के पीडीयू वगैरह का जो नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इस पीडीयू को क्या कहते हैं? हाँ, ओके, तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को बिट बोलते हैं फिजिकल लेयर पे, उसके ऊपर वाले में फ्रेम बोलते हैं, उसके ऊपर वाले में पैकेट बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले में इसको सेगमेंट या डेटाग्राम बोलते हैं, और ऊपर में आपका डेटा ही है। ठीक है, इसका इसकी पर लेयर की डेफिनेशन हम आपको एक और बार रीड करके बता देते हैं। ठीक है, हाई लेवल एपीआई इंक्लूड रिसोर्स शेयरिंग, रिमोट फाइल एक्शन एक्सेस, ट्रांसलेशन ऑफ डेटा बिटवीन नेटवर्क सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कैरेक्टर कोडिंग, डेटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे हो जाता है। तो और मैनेजिंग कम्युनिकेशन सेशन जो है वो यहाँ पर मेंटेन होता है। रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सेगमेंट बिटवीन पॉइंट ऑन द नेटवर्क, तो सेगमेंटेशन एक्नोलेजमेंट और मल्टीप्लेक्सिंग की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसमें उसके अंदर जुड़ जाती है। तो ये इस तरह से जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर आके इसको पैकेट कहलाता है। जब ये पैकेट कहलाता है, पैकेट कब कहलाता है? जब इसके अंदर में आईपी एड्रेस ऐड कर देता है वो। तो ये सब एक 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 करके चीजें ऐड करते जाते हैं, और उसके बाद में ये यहाँ पर आता है फ्रेम, फ्रेम के अंदर में फिर आपका आपका वो लगता है इसके अंदर में एरर करेक्शन के लिए, यहाँ पर एरर करेक्शन के लिए जो है ना एफईसी करके रखता है, वो लग जाता है। तो पहले जो बॉक्स बना वो बॉक्स में ऊपर से जब इंफॉर्मेशन आई तो डिब्बा कुछ इस तरह से हुआ, ये देखिए किस तरह से हुआ, ये देखो पहले यहां से आया एक डिब्बे के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा आया, डेटा आने के बाद में इसके अंदर में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसमें कुछ ऐड किया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो ऐड किया उसके बाद में ये सेगमेंट बन गया। ठीक है, फिर सेगमेंट लेयर के बाद में ये नीचे और आया, उसके बाद में यहाँ पर आईपी ऐड हुआ, यहाँ आईपी ऐड हो गया, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे आया तो यहाँ पर उसमें मैक एड्रेस लगेगा, और फिर फिजिकल डिबिट के थ्रू ये वापस उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हुई चीज, ये आपका कम्युनिकेशन हुआ। ओके, ऑलराइट, इसको बंद करो। ओके, ओके, यू कैन नॉट डू जूम, फाइन। तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन हुआ इसके ऊपर में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये इस तरह से कम्युनिकेशन हो गया और आपका जो इंटरनेट था वो खुल गया, चल गया। ठीक है, फिर आता है आपका टीसीपी आईपी एरर रिकवरी बेसिस, अगर एरर हो गई इसके अंदर में तो फिर से रीसेंड करेगा ये, है ना। और फिर सेम लेयर और एडजेसेंट लेयर, जैसे मैंने बताया आपको कि जो जो फिजिकल लेयर के साथ बात हो रही है उसको बोलते हैं हम सेम लेयर ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा लेयर की उसके उसके साथी के साथ में जो डेटा लिंक लेयर पे बात हो रही है उसको भी हम सेम लेयर बोलते हैं। लेकिन हम एडजेसेंट लेयर क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर जो समझा रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर को जो भिजवा रहा है उसे हम एडजेसेंट लेयर कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ में होने वाला कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें चैप्टर वन का टॉपिक इसके अंदर में। इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में आपको पोस्ट सर्विस का एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ। देखो पोस्ट सर्विस के अंदर में पोस्ट ऑफिस से अगर आपका मैसेज गया तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद में कहाँ जा रहा है वो हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमें पता भी नहीं होता, तो वो एंड में जाके आपके डेस्टिनेशन पर मिल जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस ऐसे फोर डॉटेड डेसिमल में लिखा जाता है, 1.1.1.1, 2 डॉट, कंप्यूटर एक दूसरे को या राउटर भी एक दूसरे को इसी के द्वारा पहचानते हैं। ठीक है,
अभी आईपी राउटिंग बेसिस के अंदर में क्या होता है कि अब देखो आईपी राउटिंग के अंदर में कैसे आईपी राउटर वो नेटवर्क जो उसने बना के दिखाया हुआ था उसके अंदर में कैसे स्टेप बाय स्टेप बात होगी। तो लैरी एक एग्जांपल लिया उसने, लैरी एनकैप्सुलेट द आईपी पैकेट बिटवीन ए इथरनेट हेडर एंड ए इथरनेट ट्रेलर क्रिएटिंग एन इथरनेट फ्रेम। लैरी फिजिकली ट्रांसमिट द बिट ऑफ दिस इथरनेट फ्रेम यूजिंग इलेक्ट्रिकल फ्लो ओवर द इलेक्ट्रिक इथरनेट केबलिंग। फिर राउटर वन फिजिकली रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ओवर ए केबल एंड रिक्रिएट द सेम बिट बाय इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। राउटर आर वन डिकैप्सुलेट द आईपी पैकेट फ्रॉम द इथरनेट फ्रेम बाय रिमूविंग द डिस्कार्ड द इथरनेट हेडर एंड ट्रायल। तो स्टेप बाय स्टेप लेयर पहले क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर पे गया, एप्लीकेशन लेयर से जो मैसेज गया वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने चूज किया टीसीपी यूज करना है कि यूडीपी यूज करना है। यदि टीसीपी यूज करना तो टीसीपी का हेडर लगाया उसके अंदर उसने, उसके बाद में उसने नीचे भिजवाया इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास में, आईपी प्रोटोकॉल के पास में जिसको नेटवर्क लेयर पे होता है, तो वो आईपी लगाएगा वहां से सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, जिससे पता चलेगा कि मेरा सोर्स क्या है और सामने वाले का डेस्टिनेशन जहाँ भिजवाना है वो उसका सोर्स उसका डेस्टिनेशन क्या है। उसके बाद में नीचे आएगा, नीचे जो आपका डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेस लगाएगा और एफईसी भी लगा, आपका करेक्शन कोड सीआरसी कोड भी लगाएगा, एफआरसी सॉरी एफईसी बीजीपी का कॉन्सेप्ट है, गलत मेरे मुझसे गलत निकल गया, एफआरसी या तो वो एरर करेक्शन के लिए कि उसके अंदर में एनक्रिप्शन करेगा वो, कि सामने वाले जब उसको वो फ्रेम मिलेगी तो वो फ्रेम चेक करेगा तो क्या होगा कि एक एक काउंटिंग समझ लो कि मैंने 10 मैंगो भिजवाया है तो एक कागज पे लिखी कि 10 है वो, सामने वाले को जब वो बक्सा मिला तो वो देखता है कि 10 लिखा होना चाहिए उसके अंदर। और क्या उसका खुद के लिए है वो मैक एड्रेस जो है वो फिजिकली राउटरों के, ये राउटरों पे ज्यादातर काम आते हैं मैक एड्रेसेस, मतलब अंदर तक भी काम आते हैं लेकिन ये होप टू होप होते हैं, मतलब मैं मेरे पड़ोस वाले को दूंगा उसके बाद में वो उसके पड़ोस वाले को देगा वो उसके बाद में उसके पड़ोस वाले को देगा, इस तरह से चलता है। तो वो पड़ोस में जब जाएगा तो पड़ोस वाला मैक एड्रेस चेक करता है, आईपी एड्रेस पहले नहीं चेक करता, अगर वो बक्सा उसके लिए नहीं है तो वो उसको कुछ नहीं करेगा, वो डिस्कार्ड कर देगा उस मैसेज को उस फ्रेम को। ऐसे ही अगर 10 लोगों के पास में पहुंचा उसमें से 90 व्यक्ति का वो आपका वो डिलीवरी वो प्रोडक्ट था तो वो उसको देखेगा कि हाँ ये मैक एड्रेस तो मेरा ही है, तो जब ये वो ये देखेगा कि मैक एड्रेस मेरा ही है तो फिर वो उसको उसमें से एफआरसी वगैरह सीआरसी चेक करेगा और उसके बाद अपने वो अपर वाली लेयर नेटवर्क लेयर को प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वो मैंगो का बक्सा जो था वो उन्हीं के लिए था, ठीक है। तो उसके बाद में वो फिर एंड टू एंड पहुंच जाएगा और फिर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी का जो हमने लगाया था वो उसको वो कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा और फिर वो जो एक्चुअल मैंगो है मैंगो के ऊपर का होगा वो निकाल देगा और मैंगो प्रेजेंट कर देगा आपके एप्लीकेशन लेयर को। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होएगा इसके अंदर में, ठीक है। डेटा एनकैप्सुलेशन टर्मिनोलॉजी, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं किसको, कोई पैकेज करने को, पैकेज करने को हमारे हेडर लगाने को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, और डीकैप्सुलेशन किसको बोलते हैं, वो पैकेट को वो बक्से को फाड़ के फेंक देने को, डिस्पोज करने को बोलते हैं डीकैप्सुलेशन, ठीक है। तो उसका ये इसने क्या दिया है, स्टेप्स दी हुई है कि कैसे क्रिएट होता है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। क्रिएट स्टेप वन क्या होती है, क्रिएट एन एनकैप्सुलेट, ये मैंने पहले बताया वही चीज है, ये वापस से मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट एन एनकैप्सुलेट द एप्लीकेशन डेटा विद एनी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन लेयर हेडर, फॉर एग्जाम्पल द एचटीटीपी ओके मैसेज कैन बी रिटर्न इन द एचटीपी इन एन एचटीटीपी हेडर, फॉर उसमें ओके लिखा रहता है, ओके फॉलोड बाय पार्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द वेब पेज के साथ में ओके लिखा रहता है। फिर एनकैप्सुलेट द डेटा सप्लाइड बाय द एप्लीकेशन लेयर इनसाइड द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी नहीं तो है यूडीपी का हेडर लगाएगा। ये इसके भी हेडर वगैरह की भी जो डिटेल है वो आगे अगर आती है तो बताते हैं, नहीं तो ये ज्यादा मोर टेक्निकल डिटेल में। फिर उसके नीचे जब वो आता था एनकैप्सुलेट द डेटा सप्लाइड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर इनसाइड है ए नेटवर्क लेयर आईपी हेडर, आईपी डिफाइन दी आईपी एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इस कंप्यूटर का, हर एक कंप्यूटर का यूनिकली डिफाइन कर रखता है ये आईपी, आईपी लगा दिया उसने। फिर फ्रेम या आप पैकेट बन गया, पैकेट बनने के बाद जब नीचे जाएगा, जब आपका डेटा लिंक लेयर एनकैप्सुलेट द डेटा सप्लाइड बाय द नेटवर्क लेयर इनसाइड द डेटा लिंक लेयर हेडर एंड ट्रेलर भी लगता है इसके अंदर, ये वो जगह जहाँ पर ट्रेलर भी लगता है, मतलब हमने बक्से को पैक कर दिया। अब तक हमारा बक्सा खुला हुआ था उसमें कोई कुछ चीज ऐड होती जा रही थी, ठीक है, अब दोनों तरफ से पैक हो जाता है। दिस लेयर यूज बोथ ए हेडर एंड ए ट्रेलर। तो फिर उसके बाद में क्या करता है, उसको फिर ये
फिजिकल लेयर ट्रांसमिट करने के लिए बिट में कन्वर्ट करता है, और फिर वायर पर या वायरलेस नेटवर्क के ऊपर में इसको वो ट्रांसमिट कर देता है। देखो ये जो उसने ऊपर बताया उसका एग्जांपल दिया, ऊपर से डेटा आ रहा है, डेटा को टीसीपी लगा, टीसीपी के बाद में आईपी लगा, और आईपी के बाद में आपका हेडर और ट्रेलर दोनों लगा डेटा लिंक के ऊपर में जाके। तो ट्रेलर का काम क्या रहता है, वो ये चेक कर लेता है कि भैया ये जो मटेरियल आया था जितना मटेरियल है वो सेम टू सेम है कि नहीं है। और हेडर का काम क्या काम था कि जो पड़ोस में जो नेक्स्ट होप जो थी वो ये फाइंड आउट कर लेता कि हाँ ये डेटा मेरे लिए था। तो जब ये घोषित हो जाता है कि ये डेटा उसके लिए था तो फिर वो अपने ऊपर वाली लेयर को देता, फिर और आगे नहीं बढ़ाता वो। ठीक है, सॉरी अगर राउटर रहेगा तो राउटर बिल्कुल फॉरवर्ड करेगा, सॉरी मैक लेयर हर हर होप पे आपकी चेक होगी। ठीक है, नेटवर्क के अंदर में भी। ओके तो ऐसा है ये, और ये देखो इस वो जो हम इधर उधर इंटरनेट पर देख रहे थे वही चीज यहाँ पर दिखाई है। 5 से 7 लेयर के बीच को क्या किया उसने, एक ही में बना दिया। वो इंटरनेट पे कहीं पे कुछ ना कुछ गलत दिखा में उसने 4 बोल दिया था, जबकि ये 3 लेयर को बना मिला के एप्लीकेशन है। ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ही रहा, नेटवर्क का नेटवर्क रहा, डाटा लिंक का डाटा लिंक रहा, फिजिकल का फिजिकल रहा। ठीक है, अच्छा ये वही एग्जाम्पल लेकिन OSI मॉडल के संदर्भ में। तो OSI में लेयर में 7वां लगता है, 6वां लगता है, 5वां लगता है, 4था लगता है, 3रा लगता है, और फिर 2रा लगता है, और ट्रेलर भी यहाँ पर भी लगता है, यहाँ पर हेडर और ट्रेलर भी लगता है। तो ये TCP/IP में आपका डेटा लिंक हो गया, ये वाला जो है आपका TCP/IP के अंदर नेटवर्क हो गया, इसमें भी नेटवर्क है, ये वाला जो है 4th वाला वो आपका डेटा हो गया, ट्रांस सेगमेंट या फिर उसको जो बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ओके तो ये चैप्टर आपका इस तरह से समाप्त हुआ। इसके बाद में हमारे को देखना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर में क्या है वो देखते हैं नेक्स्ट। ओके चैप्टर नंबर 2 के अंदर में फंडामेंटल ऑफ इथरनेट लैन। तो इथरनेट क्या चीज होती है, इथरनेट इथरनेट का मैं पिक्चर दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले आपको है ना तो समझ में आएगा। ईथरनेट केबल, ये ज्यादा अच्छा है, हालांकि हर एक व्यक्ति ने देखा होगा ये जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है इसको बोलते हैं ईथरनेट केबल। इसके अंदर काफी सारे स्टैंडर्ड आए और अपग्रेडेशन होता रहा। तो पहले 10 MB की स्पीड, फिर 100 MB की स्पीड, 100 MB वाले को फास्ट इथरनेट बोलते हैं, 10 MB वाले को इथरनेट बोलते हैं, फिर गीगाबिट इथरनेट आया 1000 MB वाला है ना, फिर 10 GB आया 10,000 GB वाला, अभी 40G आया उसके बाद में, और उसके बाद में 100 GB भी चल रहा है आजकल। तो इसका है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा इथरनेट जो है पहले जो है सिर्फ आपके एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर मतलब विद इन ए कंपनी चलता था, क्योंकि उसमें दूरियां ज्यादा दूरी तक के पहुंचाने की वो नहीं थी, कैपेबिलिटी थी उसकी केबल स्टैंडर्ड के अंदर में। लेकिन जो हमारा दौर चल रहा है इसमें इथरनेट आपको वैन में भी इस्तेमाल में हो जाएगा, आप इथरनेट इथरनेट नेटवर्क से सिटी टू सिटी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, मेट्रो इथरनेट बोलते हैं जिसको। तो शुरुआत से तो कोई भी चीज ऐसे ही प्रोग्रेस करती है ना उसी तरह से। तो ये सोहो नेटवर्क का एग्जाम्पल है, इसमें इंटरनेट इधर ऊपर चला गया, यहाँ पर PC प्रिंटर और वह सब स्विच पे जाके कनेक्ट होते थे और कंप्यूटर भी इस पे कनेक्टेड होते थे। ठीक है, तो लेट्स गो आगे देखते हैं क्या टिपिकल लैन। ये देखो लैन का एग्जांपल दिया हुआ है, लैन का एग्जांपल, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो लोकल है हमारे जिसका स्कोप छोटा है, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, अपना घर छोटा है, तो उसको बोलते हैं लैन। और वैन किसको बोलते हैं, इंटरनेट को वैन बोलते हैं। मतलब हमको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हम बोलते हैं हम वैन नेटवर्क पे जा रहे हैं, जिसको क्लाउड में दिखाया था ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा कि क्लाउड, जिसकी वहां पर डेफिनेशन दी। जब वैन प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसको, तो उस तब हम उसके अंदर में जाएंगे डीप में। ठीक है, तो ओके इसको 802.3 स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, ये IEEE का स्टैंडर्ड है। तो केबलिंग ज्यादातर जो है वो आपकी, ये देखो इसने एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि 400 GB भी आने लगे हैं यहाँ पर, ये बता रहा है कि 400 GB भी आने लगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में ये वाले टॉपिक के अंदर में ये पढ़ा रहा है आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं इथरनेट के। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, देखो 10 MBPS वाले को इथरनेट बोलते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसका नाम इनफॉर्मल IEEE
ट्रिपल आई ने बनाया, स्टैंडर्ड नेम क्या था, 10BASE-T, और फॉर्मली क्या बोलते थे इसको, 802.3। और ये कैसा होता था, कॉपर केबल होता था, और कॉपर केबल के अंदर में भी ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड पेयर भी होते थे, ठीक है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आएगा कॉन्सेप्ट आगे, वो भी देखेंगे हम। तो इसकी क्या है, इसमें 100 मीटर तक के आपकी कम्युनिकेशन हो सकती थी। तो मतलब ये सोहू के लिए तो बेस्ट चॉइस था कि भाई मेरे डाइनिंग रूम से लेके मेरे बेडरूम तक के जो है दूरी, या फिर एक फ्लोर के अंदर में, उसके लिए 100 BASE-T इट वॉज सफिशियंट। फिर आया फास्ट इथरनेट, इसको इनफॉर्मली बोलते थे 100BASE-T और फॉर्मली बोलते थे 802.3.U। ये भी कॉपर का बना हुआ था, इसके अंदर केबल कॉपर वाली होती थी, और 100 MBPS, 100 मीटर की दूरी तक की इसकी दूरी थी, ठीक है। फिर आया 1000BASE-LX, ठीक, गीगाबिट इथरनेट, और इसको बोलते थे 802.3Z, और ये फाइबर केबल था। इसकी दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर तक इसको इस्तेमाल कर सकते थे, ओके। उसके बाद में आया 1000 GBPS वाला गीगाबाइट इथरनेट, ये भी कॉपर में है, और इसको 100 मीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 GB भी, 10 GB इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, लेकिन 10 GB आप फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर में काफी दूरी पर ले जा सकते हो। तो 10 GB इथरनेट इसका है, 10BASE-T, 802.3AN नाम है इसका, और कॉपर की 100 मीटर की दूरी इससे ली जा सकती है, ओके। तो हालांकि अभी जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा डिवाइस के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। जिस तरह से हमने लेयर ऑफ डिवाइसेस देखे थे, हमने लेयर ऑफ OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल देखा था, तो वैसे ही उसी लेयर के अंदर में राउटरों की भी कुछ डेफिनेशंस या कुछ डिवाइसेस की भी डेफिनेशन है। तो ये जो स्विच है, ये लेयर टू डिवाइस है। लेयर टू डिवाइस है मतलब इसमें है ना, लेयर टू के इंफॉर्मेशन तक की के इंफॉर्मेशन को तवज्जो दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, और वो उसी के ऊपर काम करता है लेयर टू डिवाइस। राउटर जो है वो लेयर थ्री डिवाइस कहलाता है। उसी प्रकार से उसी लेयर में मैं फिट कर रहा हूँ इन डिवाइसेस को। तो लेयर वन पर क्या आ जाता है आपका, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर जैसे कि उसका नाम है, वो रिपीट करता है। तो सिग्नल हमारा 100 मीटर तक ही जा रहा था, तो लोगों को लगा कि नहीं यार, 100 मीटर नहीं, मेरे को 200 मीटर तक ले जाना है, तो अब क्या करूं मैं। तो उस टाइम पर ये डिवाइस आया जिसको बोलते थे रिपीटर। रिपीटर क्या करता था, वो जैसा करंट आ रहा है उसको, करंट क्योंकि दूर जाते तक के वो उसकी जो डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी मॉड्यूलेशन है वो खत्म हो जाता था। मॉड्यूलेशन खत्म हो जाता था तो जब अगर किसी और को मिलेगा तो वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा, तो समझ में नहीं आएगा कि भाई मैंने जैसे मेरा नाम भिजवाया, चंद्रशेखर भिजवाया। तो इस तरफ से 200 मीटर अगर मैं लेके जाऊंगा तो उसमें चंद्रशेखर में कुछ अल्फाबेट गायब हो जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि उससे बचने के लिए क्या किया, एक रिपीटर नाम की डिवाइस आई जो लेयर वन पर काम करती थी, जो सिर्फ मॉड्यूलेशन का काम करती थी। तो क्या करती थी, वो बढ़ा देती थी चीजों को, आपके इलेक्ट्रिक करंट की पावर को बढ़ा देती थी। वापस सपोज CH है, तो CH को C को लिखने के लिए +5 लिखा, फिर एक खाली छोड़ा, फिर H को लिखने के लिए +5 वोल्ट करंट था। तो वो जैसा करंट उसको मिला तो वो क्या करता था, +5 वाले जो +4 की तरफ जा रहा हो, मतलब मुझे, मैं इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही हो रहा होगा कि उसका वोल्टेज कम हो रहा, तो वो क्या करता था, उसको वापस डिस्टोर्शन को खत्म करके +4, क्योंकि वहां धुंधला दिखने लग गया, धुंधला दिख रहा था, तो क्या करता है, +4 को वापस +5 करके आगे फॉरवर्ड कर देता। तो इस तरह से रीचेबिलिटी जो है थोड़े और आगे तक बढ़ गई, 100 मीटर के बदले अब 200 मीटर तक के डिवाइस जाने लग गए। तो ये रिपीटर का काम हो गया। दूसरे लेयर पे आता है स्विच। तो क्या होता है कि अभी जो आपका ये करंट वाला है, करंट वाला है बोलते हैं, सिंगल कोलिजन डोमेन बोलते हैं इसको। करंट जो है वो तो डिफरेंशिएट करता नहीं कि कौन सा करंट किसको मिलेगा, कौन सी डिवाइस को मिलेगा, कौन सी डिवाइस पे नहीं जाएगा, करंट तो सभी जगह चला ही जाएगा। तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए, उसको बांटने के लिए क्या हुआ, लेयर टू डिवाइस का इजाद हुआ, जिसका नाम था ब्रिज। उसका नाम था ब्रिज, लेकिन उसके अंदर में क्या था, 2-3 पोर्ट ही थे, ज्यादा पोर्ट नहीं थे, 3-4 पोर्ट थे। तो वो क्या करता था, कोलिशन डोमेन को ब्रेक कर देता था। मतलब पोर्ट 1 से पोर्ट 5 पर अगर बात जानी है, और ओके सॉरी, रिपीटर के बाद में आया हब। तो हब क्या हुआ, हब जो चीज है, मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, सॉरी। तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये अरे क्लियर, क्लियर इज बेटर, क्लियर ऑल ड्राइंग। हाँ तो टेक्स्ट इज बेटर यार, ओके। तो क्या होगा, रिपीटर
रिपीटर के अंदर में क्या था, कम पोर्ट थे, तो क्या हुआ फिर उसके बाद में जो उसी की जनरेशन की उसी के काम की चीज आई हब, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर में रिपीटर में दो पोर्ट हुआ करते थे, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, है ना। पाइप को जैसे हम जोड़ देते हैं, दो पाइप को जोड़ने के लिए लगा देते हैं, वैसा होता था इसे हब। उसके बदले में हब तो काफी लोगों ने देखे होंगे, इंटरनेट पर इंटरनेट कैफे वगैरह में लगे रहते थे। तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने कि ऐसे 20 20 पोर्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि ये जो करंट वाले जो इश्यू आ रहा था उसको सॉल्व तो कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि ये करंट फिर आपस में कोलिजन करने लगे। तो जैसे एक हब ये रिपीटर है, हब है, 20 के 20 डिवाइस लगा दे, तो क्या करता था कि जो पॉइंट नंबर वन पर आपके आ रहा था, जो आपके पोर्ट नंबर वन पे आ रही थी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन वो सारे के सारे वो सभी को भिजवा रहा था, सारे 9 पोर्टों पे भिजवा रहा था। तो आपस में टकराव हो जाता था इनके बीच में, ठीक है, आपस में टकराव हो जाता था, तो वो उसका नुकसान हो जाता था, फिर कम्युनिकेशन में कोलिजन होने लग गया। तो इस कोलिजन को हटाने के लिए आपका आया ब्रिज। ब्रिज क्या करता था, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज क्या करता था, ब्रिज भी 3 4 पोर्ट के हुआ करते। तो इसमें पीसी के केबल लगा दिया आपने, तो क्या करता था, 4 पोर्ट थे, तो पोर्ट नंबर ऐसा कर देते हैं इसको A B C D, 4 पोर्ट हो गए ना। तो ये क्या करता था, ए से जो कम्युनिकेशन आया वो था डी के लिए, तो क्या करता था एक ही बार में उसकी मैक टेबल बना के एक टेबल बना लेता था कि ए से ए पे मैक एक्स 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 ऐसी मैक है, ठीक है, और डी पे जो है वाई 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 ऐसे, ठीक है। तो क्या करता था, एक बार में वो मैक टेबल रीड करके कर लेता, तो फिर ए से जो भी इंफॉर्मेशन आती थी डी के लिए, तो क्या करता था, पोर्ट बाय पोर्ट सीधे इसके पास भेज देता था, किसके पास में, ए से डी के पास में। तो ये 2 पोर्ट के ऊपर में वो सिग्नल भेजता नहीं था, तो कोलिजन जो होता था वो नहीं होता था। अब ये कोलिजन खत्म हो गया, इनके बीच में टक्कर नहीं होती थी, गाड़ियों की टक्कर नहीं होती थी। तो क्या होता था कि ये स्केलेबल हो गया, हम कंप्यूटर पहले यहाँ पर इस दौर में 4 5 ही रख पाते थे, उसके बाद में उसका नेटवर्क का जो है इस्तेमाल, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो डिग्रेड हो जाती थी। इट इज लाइक पहले सिंगल वे जो रोड होती थी, फिर उसके बाद में अब हमने हाईवे बना दिए, 4 लेन वाले अलग अलग, राइट साइड वाले मतलब जाने वाले जाएंगे के लिए अलग बना दिए और आने वाले के लिए अलग बना दिए। तो ये बात हुई, तो ये क्या करता था यहाँ से, अब इसके अंदर में क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुई कि कोलिजन डोमेन तो हट गया, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर में क्या, ब्रॉडकास्ट मतलब कोई आपके मोहल्ले में सब्जी बेचने के लिए आया, तो आजकल जैसे स्पीकर पे बोलते हैं, जिसको सब्जी नहीं भी लेनी है तो भी वो चिल्लाता है तो सभी को सुनाई देता है कि भाई सब्जी वाला आ गया, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो कर रहे थे, तो आपके ब्रॉडकास्ट का ये दिक्कत हुआ कि वो सभी को मिलता था, किसी को चाहिए या किसी को नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए, आई एम सॉरी यार बड़ा आगे निकल जा रहा हूँ इस चीज को, सॉरी सॉरी, ब्रिज के कम पोर्ट होते थे, तो ज्यादा पोर्ट के लिए स्विच आया, इसके अंदर में 10 पोर्ट, फिर 100 पोर्ट, और अभी 100 100 पोर्ट आते हैं स्विच के अंदर में। तो काम ये वही करता है स्विच कि कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है, लेकिन इसके अंदर में मैक्सिमम पोर्ट की जो अकाउंटिंग है वो बढ़ गई बहुत ज्यादा मात्रा में आपका पोर्ट आने लग गया इसके अंदर में। अब ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा था मैं, तो ब्रॉडकास्ट एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ कि ये जो इन दोनों डिवाइस में ताकत नहीं है कि वो इस ब्रॉडकास्ट को रोक सके, तो किसी ने फालतू का ही ब्रॉडकास्ट कर दिया, सपोज को ब्रॉडकास्ट अटैक वगैरह भी होते हैं, तो किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया है ना, या कोई इंफॉर्मेशन है जो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आ रही है, कोई स्पीकर पे चिल्ला रहा है ना, तो वो क्या होता था कि वो सब इसको फ्लड कर देता था, स्विच को भी फ्लड कर देता था, रिपीटर को भी फ्लड कर देता था, और सभी सभी कंप्यूटर डिवाइस के सभी कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर चला जाता था वो, है ना। तो इसको हटाने के लिए राउटर का इस्तेमाल हुआ। राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को खत्म कर देता है। तो कैसा, वो आईपी एड्रेस, उसके पोर्ट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी अगर वो ब्रॉडकास्ट होगी तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो जाने नहीं देगा, तो नेटवर्क और ज्यादा एफिशिएंट हो गया आपका। ओके 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 ओके, इसे बंद करें, फिर नेक्स्ट शेयर।
ओके तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये आगे थोड़ा समझ में आएगा और भी कुछ चीजें। अब ये दूसरा टॉपिक क्या है, बिल्डिंग फिजिकल इथरनेट लैन विथ यूटीपी। यूटीपी क्या हुआ, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एक बार चेक करना कि क्या चीज होती है। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन ऐसा होता है, क्रिएट वन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो केबल रहता है उसके अंदर में काफी सारे केबल रहते हैं, 8 के आसपास केबल रहते हैं, वो आगे आ रहा है मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जो दूसरा स्टैंडर्ड वो आरजे RJ45, RJ45 उसको जिसमें केबल जाके फंसती है उसको बोलते हैं RJ45। ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसको बोलते हैं लैन कार्ड। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है, ये भी स्टैंडर्ड जो है लेयर वन स्टैंडर्ड, ये लगा रहता है आपके कंप्यूटर में। यहाँ से ये वाली केबल कनेक्ट होती है, ये वाली केबल कनेक्ट होके हब पे, स्विच पे, राउटर पे, किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, इस जगह पर। इसको RJ45 बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या है, यूटीपी पिन पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर में स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर, दो प्रकार के केबलिंग सिस्टम होती है, स्ट्रेट थ्रू और स्ट्रेट थ्रू तो बताई हुई है, और स्ट्रेट केबल कॉन्सेप्ट के बाद में नेक्स्ट इज स्ट्रेट थ्रू केबल के बाद में आपका आता है क्रॉस केबल। क्रॉस केबल ये समझा रहा है। अच्छा, यही खत्म कर दिया इसने, ज्यादा डिटेल में नहीं है, मैं बस फिर बताता हूँ आपको क्या चीज है। जो दो डिफरेंट प्रकार के डिवाइस होते हैं, जो दो दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर और स्विच, दो अलग अलग प्रकार के डिवाइस हो गए। ये दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर स्ट्रेट थ्रू केबल भी रहेगी तो भी ये बात कर लेंगे, लेकिन जब दो डिवाइस एक जैसी होती है, कंप्यूटर से कंप्यूटर की अगर हमें बात करवानी होती है तो हमें क्रॉस केबल से बात करवानी पड़ती है। ठीक है, राउटर से राउटर की बात करवानी होती है तो क्रॉस केबल से, और स्विच से स्विच की बात करानी होती है तो क्रॉस केबल। अब ऐसा क्यों होता है ये समझे अपन। देखो, ये इस तरह से है कि ये एक रास्ते हैं, इनको हम एक रास्ते के 6 पिन पॉइंट है, इसके अंदर 6 पिन है, तो ऐसा समझे कि ये आपके रास्ते हैं। तो 6 को 3 आने के रास्ते और 3 को जाने के रास्ते समझे पहले। तो अगर स्ट्रेट थ्रू केबल है तो जो आने के रास्ते और जाने के रास्ते वो सेम, कोई से भी है, मतलब उसके अंदर में क्या है, मेरा पिन पॉइंट और आपका पिन पॉइंट, आप एक से बोलते हो पिन नंबर वन से बोलते हो और मैं भी पिन नंबर वन से बोलता हूँ। ठीक है, हमने स्ट्रेट थ्रू केबल लिया तो मेरा बोलने वाला और आपका बोलने वाला पिन एक एक ही लाइन में आ गए, एक ही कनेक्टेड हो गए, मतलब तो हम दोनों बोलेंगे ही बोलेंगे। और दूसरा वाला जो पिन था, वो पिन नंबर 2 जो था वो सुनने सुनने वाला पिन है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल अगर आपने लगाया है तो पिन नंबर 2 मेरा भी सुनता है और आपका भी सुनता है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। जितना कुछ भी इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा सिर्फ यही समझाने के लिए, 2-4 पन्ने यही समझाया उन्होंने। तो क्या होता है कि हम दोनों, चूंकि हम दोनों कंप्यूटर हैं और हम दोनों के पिन पॉइंट तो चेंज हो नहीं सकते, वो इस तरह से बनाए कि उसके पिन का स्टैंडर्ड ये है कि 1 नंबर के पिन से बोलेगा बोलेगा और 2 नंबर के पिन से सुनेगा सुनेगा। ठीक है, तो चेंज हो नहीं सकते, और हमने लगा दी स्ट्रेट थ्रू केबल तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इस टाइम पर हमको लगानी पड़ती है क्रॉस केबल। तो उसमें क्या है, केबलों को ट्विस्ट कर दिया, केबलों को घुमा दिया, एक हमने केबल ही ऐसी बनाई कि एक इस तरफ के कनेक्टर में, आरजे कनेक्टर में, एक को उस तरफ वाले 3 में कनेक्टर में फिट किया और दूसरा 6 वाले को, 1 को 3 में कर दिया, 2 को 4 में कर दिया, 3 को 6 में कर दिया। तो अब क्या हो गया, मेरे बोलने वाला आपके सुनने वाले में कनेक्ट हो रहा है और आपका सुनने वाला मेरे बोलने वाले में कनेक्ट हो रहा है, मेरे सुन या करेक्ट मेरे आपका सुनने वाला मेरे बोलने वाले में कनेक्ट हो रहा है, तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यही मेजर कॉन्सेप्ट है आपके स्टेट थ्रू, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रेट थ्रू का एग्जाम्पल है। 1 नंबर की पिन लगी हुई है, 1 नंबर की, तो ये पिन कैसे कब कब काम आएगी, जब हमारा कम्युनिकेशन इस प्रकार के डिवाइस से होगा। किस प्रकार के, पीसी अगर हब पे कनेक्टेड होता है, ये वाली
इस्तेमाल की जा सकती है। स्विच अगर आउटर कनेक्ट हो रहा है तो की जा सकती है, वायरलेस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको काम में आ जाएगा। लेकिन अगर 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 कंप्यूटर टू कंप्यूटर करेंगे और स्विच टू स्विच करेंगे तो उस जगह पर हमको उसका एग्जाम्पल तो इन्होंने नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही एग्जाम्पल को समझ लो, इसी में समझ लो। ये नहीं, ये रहा, ये देखो ये रहा क्रॉस थ्रू का एग्जाम्पल। तो एक को काय से कर किया, इसने 3 से किया, 2 को 6 से किया और 3 को वापस 1 से किया हुआ। तो ये है क्रॉस क्रॉस थ्रू केबल, और लगाई भी कहाँ है, दोनों स्विच के बीच में लगाई है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे ये बताने के बाद में, और नहीं हुआ हो तो फिर से आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर इसके लिए आपको और विल गो इन टू मोर डिटेल इन दिस। ओके, देन आया आपको कोई एक्सल केबल, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये। तो ये कैसा होता है, आउटर शीट होती है, इसके अंदर में इनर होती है, फिर बफर होता है, फिर क्लैड होता है, फिर कोर होता है, और इसके अंदर में लेजर के थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। तो इसको कभी इसकी वायर को देखना नहीं चाहिए, एलईडी के थ्रू इसके अंदर में जाती है और फिर ये फाइबर के थ्रू दूसरे एंड तक ही जाती है। तो इसको इसके कभी इसको आंख पे नहीं लगाना है। ठीक है, लेजर ट्रांसमिटेड और एलईडी ट्रांसमिटेड दोनों हो सकते हैं। तो इसमें ये दिस लाइट इज इंजुरियस फॉर योर आईज। तो ये दूसरे प्रकार का केबल का एग्जाम्पल हो गया है ना, टू फाइबर केबल विथ टीएक्स। इसके अंदर में भी टीएक्स और आरएक्स होता है, जिस तरह से हमारे हमने ट्विस्टेड पेयर करा था उसको क्रॉस ओवर केबल बनाया था। तो इसमें भी कैसा रहेगा, आपने अगर टीएक्स को टीएक्स से लगा दिया तो बात नहीं हो पाएगी, और आरएक्स को टीएक्स मतलब ट्रांस रिसीवर और आरएक्स मतलब रिसीवर, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर बोलो इसको आप। तो टीएक्स आरएक्स में कनेक्टेड होना चाहिए दूसरे एंड पर, और आरएक्स टीएक्स में कनेक्टेड होना चाहिए दूसरे एंड पर। तो ये चीज है इसके अंदर में। अब इसके IEEE के 802.3 10 गीगाबिट गीगाबिट फाइबर के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। 10 गीगाबिट के अंदर में एमएम केबल टाइप, एमएम केबल टाइप सिंगल मोड मल्टी मोड। इसके अंदर में जैसे यहाँ ये जो ये इसने ज्यादा दूरी, इसीलिए इट वाज पॉसिबल टू मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ लेजर से है ना एक ही बीम जाती है, और इसके अंदर में क्या होता है मल्टी मोड। मल्टी मोड मतलब इस तरह से जा रही है आपकी, ये देखो कैसे जा रही है, एक एक कंप्यूटर ने मैसेज भेजा, इंफॉर्मेशन गई, डेटा गया, तो वही एक ऐसे लाइन से चला गया, इधर दीवारों पे टकराते हुए जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है, दूसरा आया, दूसरा भी ऐसे चलता गया। तो ये है एग्जांपल ऑफ मल्टी मोड फाइबर, और यह है सिंगल मोड। इसमें क्या होता है, एक ही लेयर से एक ही किरण से आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेटा भी उसमें ज्यादा जाता है। देखो 10 Gbps डेटा जाता है, और डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर का, LR के अंदर में सिंगल मोड फाइबर है ये, इसमें 10 किलोमीटर तक जाता है। तो LR ऐसा है कि LR इसमें नहीं लगेगी और MM जो है इसमें नहीं लगेगा, लगा दिया तो वो काम नहीं करेगा। 10BASE-E जो है वो 30 किलोमीटर तक के जाता है। अच्छा, मैंने जो आपको पुरानी क्रॉसओवर और इसकी बात बताई थी, वो चीज एप्लीकेबल 10-20 साल पहले तक के अच्छी ज्यादा थी, लेकिन फिर बाद में क्या किया कि डिटेक्शन मैकेनिज्म ही डाल दिया राउटरों पे, स्विचों पे, वेंडरों ने। तो अगर सिंगल, अभी आप बोलोगे कि मैंने तो सिंगल मोड लगाई, वो सॉरी क्रॉसओवर नहीं लगा के मैंने स्ट्रेट थ्रू लगाई थी और उसके बाद भी मेरा चल गया, तो चलेगा इसलिए क्योंकि है ना अब डिवाइसेस वालों ने ये डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर में इंफॉर्मेशन डाल रखी हुई है। इतनी सूझबूझ जब उसमें आ गई पोर्टों के अंदर में ही कि वो समझ लेते हैं कि कौन से वाले से ट्रांसमिट हो रहा है और कौन से वाले से रिसीव हो रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी ऑप्टिकल में तो अभी भी रहती है, और इसके लिए एरर एरर प्रेजेंट कर देता है आपका डिवाइस जो है, वो एरर बता देता है कि आपने शायद ट्रांसीवर को रिसीवर में लगाया, रिसीवर को ट्रांसीवर में लगा दिया हुआ। तो ये यहाँ पर उतना वो नहीं है। ओके, कंपेरिजन बिटवीन यूटीपी मल्टी मोड और एसएम, ये भी कंपेरिजन भी अच्छी चीज है, समझ लेते हैं इसको। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ केबल जो है यूटीपी की सस्ता होता है, मल्टी मोड मीडियम कीमत है उसकी, और सिंगल मोड मीडियम कीमत है। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ स्विच पोर्ट लो होती है यूटीपी के केस में, स्विच पोर्ट जो लगा रहता है उसकी, मल्टी मोड में मीडियम होती है, और सिंगल मोड के अंदर में, सिंगल मोड के अंदर में पोर्ट वाली जो है वो महंगा होता है। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर तक के जाता है यूटीपी के अंदर में, मल्टी मोड के अंदर 500 मीटर तक के, और सिंगल मोड में तो 40 किलोमीटर तक के चला जाता है।
रिलेटिव ससेप्टेबिलिटी टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये आपस में जो टकरा रहे थे वो कोलिजन हो गया। और इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं, जैसे माइक्रोवेव लगा हुआ है कहीं पर, है ना, और उसके पास से केबल चली गई, तो उसकी जो मैग्नेटिक तरंगे है वो आपको इंटरफेस कर देगी। आपका जो डेटा उसके अंदर जा रहा है बिजली के माध्यम से, वो चेंज हो सकता है उसके अंदर में। तो यूटीपी के अंदर में कुछ होती है, मल्टीमोड में तो बिल्कुल नहीं होता इंटरफेरेंस, और सिंगल मोड में नहीं होता। रिलेटिव रिस्क ऑफ कॉपिंग फ्रॉम सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो यूटीपी से कोई केबल को स्निफ करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, लेकिन मल्टी मोड और सिंगल मोड के अंदर में स्पाइंग नहीं कर सकते, जासूसी नहीं कर सकता कोई का फाइबर केबल के साइड में कुछ लगा दिया और उसने आप क्या बात करो सब चेक कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता उसके अंदर में। ठीक, सेंडिंग डेटा इन इथरनेट नेटवर्क। अच्छा, अब यह है इसको, यह है इथरनेट के फ्रेम। अब ये फ्रेम देखेंगे हम तो हमको समझ में आएगा कि जो फ्रेम जा रही है वो किस तरह से, उसके अंदर में क्या क्या रहता है, क्या लिखा रहता है। तो क्या क्या रहता है, फ्रेमेबल, एसएफडी, डेस्टिनेशन, सोर्स, टाइप। टाइप में इथरनेट के अलग अलग टाइप है वो आते हैं, और इसके अंदर में डेटा, ये डेटा मतलब ऊपर की लेयर से आया वाला आईपी, नेटवर्क लेयर से आया वाला पेलोड भी बोल सकते हैं इसको, ये यहाँ पर बीच में फंसा रहता है। और आखिरी में क्या है, एफसीएस। मैंने एफआरसी भी बोला, एफसी भी बोला, चाहूंगा चाहूंगा दोनों के लिए है वो एफसीएस। ठीक है, तो इनके क्या क्या काम है। प्रेमेबल क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है, सिग्नल को आपस में सिंक्रोनाइज करता है। स्टार्ट फ्रेम डिमिलिमीटर क्या है, या ये बताता है कि यहाँ से मैक एड्रेस चालू हो जाएगा, यहाँ पर एड्रेसिंग मिल जाएगी आपको, उसके नीचे में उसके बाद में तो एड्रेस ही रहेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, ये 6 बाइट का रहेगा। सोर्स मैक एड्रेस जो रहेगा वो 6 बाइट का रहेगा, सोर्स मतलब मेरा वाला, डेस्टिनेशन मतलब आपका वाला। टाइप, टाइप कई प्रकार का टाइप, अच्छा सॉरी, टाइप में क्या आएगा कि ये इसके अंदर में आईपी कौन सा, ऊपर वाले प्रोटोकॉल ने मुझे कौन से वाले प्रोटोकॉल ने दिया, आईपी ने भेजा है कि IPv6 ने भेजा। पुराने टाइम पर इसके अंदर में दूसरी चीज भी आती थी, जैसे कि IPX करके भी वो करता है, वो प्रोटोकॉल चला ही गया, दुनिया से गायब हो गया, वो नहीं चल रहा अब। फिर पेलोड है इसके अंदर में, जो भी उसने मटेरियल भिजवाया था वो मटेरियल इसके अंदर में। और ये FCS, ये दूसरा वाला निकट, दूसरा वाला जो डेस्टिनेशन पे पड़ोस, होप बाय होप जो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन जाएगी वहां पर, वो चेक करेगा कि ये जो इतना बड़ा डिब्बा हमने भिजवाया है वो डिब्बा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, इसी के ये वही है, मैंगो बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है कि 10 मैंगोज है, यहाँ पर 10 मैंगोज है। और उसने जब इसको चेक किया पूरे बॉक्स को, तो उसको कैलकुलेट करके देखा, 10 आंसर आया, तो बोला हाँ ठीक है, अब ये आगे बढ़ाएगा या फिर ऊपर भिजवाएगा। ओके, इथरनेट एड्रेसिंग जो है, एड्रेसिंग भी 2 प्रकार की हो गई। लेयर 2 वाली एड्रेसिंग को मैक एड्रेसिंग बोलते हैं, है ना। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग, ये 6 बाइट की होती है और 48 बिट लॉन्ग होती है, अगर बाइनरी में बात करते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर में ये ऐसी होती है। हेक्साडेसिमल में इस तरह से लिखी भी जाती है, 3xxx yyy zzz, इस तरीके से लिखी जाती है। इसको बाइनरी में जनरली नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि ये 48 बिट की। ओके, नाउ ये है डायग्राम, है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिकास्ट इथरनेट एड्रेस। तो ये रहा 24 बिट। ओके, इस मैक एड्रेस के भी 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है वेंडर का और एक हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक का। तो इसके अंदर में रहती है एक्चुअल एड्रेसिंग, और इसके अंदर में रहती है किस वेंडर का ये फॉर्मेट है, या किस वेंडर का मैक डिवाइस यूज किया गया है, मतलब लैन कार्ड कौन से का है। तो सिस्को के इसमें सिस्को लिखा रहेगा, हुआवे के इसमें हुआवे लिखा रहेगा, जूनिपर के इसमें जूनिपर लिखा रहेगा, जितने भी वेंडर्स हैं उनके खुद के एक डिनोट करेगा वो, उसको उसको भी 2 भागों में बांटा, इट इज नॉट रिलेटेड रिलेवेंट टू अस। हम फॉरवर्ड करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बता दिया मैंने आपको, आइडेंटिफाई नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल भी इथर टाइप फील्ड। ये फील्ड से क्या पता चलता है, यूज इथरनेट टाइप फील्ड। अच्छा, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, इसका जो पैकेट का साइज रहता है वो 1500, वो नोट में लिखा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर में। ओके, 1500 कहीं कहाँ लिखा हुआ था, नहीं यार। ओके, लेट्स गो लेट्स गो, ये देखो 1500 के आसपास। IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन लिमिट द डेटा पोर्शन, डेटा पोर्शन लिमिटेड है इस स्टैंडर्ड के अंदर में, 2A मिनिमम 46 46 बाइट से लेके 1500 बाइट तक के,
इससे ज्यादा साइज नहीं हो, और इसको टर्म बोलते हैं एमटी, इसको एमटीयू बोलते हैं। द टर्म एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट डिफाइन द मैक्सिमम लेयर थ्री का कितना डेटा आएगा, तो 1500, उसके बाद में दूसरा पैकेट दूसरा फ्रेम बनाना पड़ेगा उसको उसके लिए, ठीक है। मतलब वो डिब्बी की साइज है 1500 बाइट मैक्सिमम और मिनिमम 46। अगर 46 से भी कम छोटा डेटा है तो कुछ ना कुछ उसमें वो लगा के भेजेगा। सेंडिंग इथरनेट फ्रेम विद स्विच एंड हब, सेंडिंग मॉडर्न इथरनेट लैन यूजिंग डुप्लेक्स। ओके, डुप्लेक्स और नॉन डुप्लेक्स दो कॉन्सेप्ट। डुप्लेक्स मतलब क्या होता है? डुप्लेक्स मतलब होता है फुल डुप्लेक्स और हाफ, सॉरी हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मतलब ये दोनों आपस में बात जो करेंगे वो एक ही टाइम पे बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, तो इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स कब किसको बोलते हैं? जब सुन या तो सुन रहा होता है डिवाइस या बोल रहा होता है डिवाइस, तो उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो मॉडर्न डेज में फुल डुप्लेक्स, जनरली यू विल सी फुल डुप्लेक्स एवरीवेयर। हाफ डुप्लेक्स का क्या लिखा है? द डिवाइस मस्ट वेट टू सेंड इफ द करंट रिसीव ए फ्रेम, इन अदर वर्ड इट कैन नॉट सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। द डिवाइस डज नॉट हैव टू वेट बिफोर अ फुल डुप्लेक्स, द डिवाइस डज नॉट हैव टू वेट बिफोर सेंडिंग, इट कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। सो व्हेन ऑल द पीसी ऑन द लैन स्विच लैन एंड व्हेन ऑल द पीसी एंड लैन स्विच ऑन नो लैब हब, ऑल द नोड कैन बी यूज फुल डुप्लेक्स। अच्छा, हब जो है आपका वो हब डुप्लेक्स में काम करता है, क्योंकि कोलिजन हो जाएगा, नहीं दोनों साथ में बोलेंगे ना तो कोलिजन हो जाएगा। ये हब पे होता है ऐसा, सभी लोग बोल रहे हैं तो ये हब में कनेक्टेड है, सारे के सारे बोल रहे हैं तो आपस में टकरा जाते हैं कभी कभी, और फिर से रिसेंड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन को। इसको ये भी बोलते हैं नोड दैट यूज हब डुप्लेक्स। अच्छा, इसको इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मतलब हाफ डुप्लेक्स वाले सिनेरियो में क्या होता है कि सारी जनता ध्यान से सुन रही होती है, उसमें एक एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कोई भी डिवाइस पहले छोड़ देता है केबल पर। वो इंफॉर्मेशन है क्या भाई साहब? मैं डेटा सेंड करने वाला हूं, ऐसा भेज देता है एक डिवाइस, जैसे उसने सुना है, जैसा सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स मोड में है, सारे के सारे सब सबने सुना कि एक डिवाइस ने बोला है कि मैं डेटा सेंड करने वाला हूँ। जैसा उसने ये में इंफॉर्मेशन केबल पर आई तो सारे डिवाइस चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर ये डिवाइस अपना डेटा सेंड करता रहेगा, डेटा सेंड करता रहेगा, और जब उसका डेटा सेंड करके खत्म होएगा तब ही वो दूसरे डिवाइस लोगों को अनुमति होगी उस केबल को इस्तेमाल करने की, है ना। यही इंग्लिश में इन्होंने समझाया है, ए डिवाइस विथ ए फ्रेम टू सेंड लिसन अंटिल दी इथरनेट, मतलब हमारे जो रास्ता है वो खाली है कि नहीं, जब तक पता नहीं चलता तब तक दूसरा आदमी कोई अपना जाने का सोचता नहीं है। व्हेन द इथरनेट इज नॉट बिजी द सेंडर बिगिन सेंडिंग द फ्रेम, जब खाली रहती है वो रोड तो फिर एक सेंड करना चालू कर देगा, ठीक है। द सेंडर लिसन व्हाइल सेंडिंग टू डिस्कवर वेदर कोलिजन ऑकर, कोलिजन माइट बी कॉज बाय मेनी रीजन इंक्लूडिंग, ऐसी सिचुएशन में भी कोलिजन हो जाता है। कैसे कोलिजन हो जाता है? उसके कई रीजन बताएं, 4 रीजन। दे सेंड ए जैम सिग्नल दैट टेल ऑल नोड दैट दैट अ कोलिजन हैपेंड। दे इंडिपेंडेंटली चूज, अच्छा कोलिजन होने की स्थिति में क्या करेगा? तो या तो बोलेगा भैया कोलिजन हो गया, बता दे, बताने के लिए एक इंफॉर्मेशन भेजेगा। दे इंडिपेंडेंटली चूज ए रैंडम टाइम टू वेट, दूसरा तरीका क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए सभी चुप बैठ जाएंगे और फिर से थोड़ी देर बाद में वापस सेंड करना चालू करेंगे। ये ऐसा होता है आपके हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क के अंदर में। तो ये अपना चैप्टर 2 खत्म हुआ, है ना। इसके अंदर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई हो तो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं बताता हूँ। अब हम आ गए हैं हमारे व्हेन, इसके अंदर में कुछ ज्यादा नहीं है, इसके अंदर में बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बीच में आपको, इसलिए मैं बीच में कुछ कुछ चीजें समझाता रहता हूँ क्योंकि वो आगे आने वाली होती है तो आपके दिमाग में रहेगी तो आपको नया कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो ये राउटर, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट ए राउटर। राउटर जो होता है, राउटर के थ्रू हम बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, और बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने को हम वैन कहते हैं, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये दो चीज इसके अंदर में समझाई हुई है, राउटर और कैसे काम करता है वो, है ना। मैं आपको कहां पर से पहले यहां से बताऊं, देखो इसका इसको डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंट भी ऐसे करते हैं। ये सिंगल लाइन जो होती है इथरनेट की होती है, मतलब लैन की
लाइनें हैं, और ऐसे तिरछी वाली जो होती है बीच में से टेढ़ी वाली, ये है आपके वैन वाली लाइन, है ना। वैन को कनेक्ट होने के तरीके क्या थे? सबसे पहले पहले तो एक ही तरीका था, लीज लाइन। जब इंटरनेट का इजाद नहीं हुआ था तब लीज लाइन। तो जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगी ये चीजें, कि अगर आपने बिजनेस खोला है, एंटरप्राइज बनाई है आपने, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको मद्रास से चेन्नई, अभी नाम हो गया मद्रास, नाम था पहले मद्रास से बम्बई, दो ऑफिस को कनेक्ट करना है, तो क्या करते थे हम, जो आईएसपी की मैंने बात बोली थी, आईएसआईएस बताते वक्त, आईएसपी होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो उस जमाने में 90 के दशक तक के, सिर्फ 90 2000, हाँ 90 2000 के दशक तक के सीफी एक बड़ा ऑपरेटर था, और बाकी के तो मुझे नाम याद नहीं। फिर बाद में सीफी के बाद टाटा कम्युनिकेशन आया, बीएसएनएल आया, मतलब बीएसएनएल एक बहुत बड़ा लीज। जैसे बीएसएनएल हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, देखो बीएसएनएल जो हमारी कंपनी है वो भारत के अंदर में सारे टेलीकॉम के काम करती थी, ठीक है। वैसे हमारी सरकारी कंपनी एक और हुआ करती थी, बीएसएनएल हुआ करती थी, बिक गई वो, बेच दी गई उसे, तो अब नहीं है वो कंपनी, उसका नया नाम फ्लैग टेलीकॉम रिलायंस है, रिलायंस ने खरीद लिया था उसको। तो जो आईएसपी किसे कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं, लोकल हो जाते हैं और आपके बड़े हो जाते हैं, फर्स्ट लेवल वन और लेवल टू करके बोलते हैं। लेवल वन वाले जो संसारों को जोड़ते हैं पूरा पूरा, तो विश्व में आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए लेवल वन वाले थे, जिसका एग्जाम्पल AT&T, लेवल वन, फ्लैग टेलीकॉम, और भी काफी हैं, 10 10 के आसपास थे। तो ये इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर थे। अब लोकल में सर्विस प्रोवाइडर सभी कंट्री के अलग अलग होते थे, तो हमारे यहाँ पर कौन सा था, बीएसएनएल था, सीपी था, ये दो बहुत बड़े मेजर प्लेयर थे पहले। तो इनसे आपको एक लीज लाइन लेनी पड़ती थी, तो वो या एक लीज लाइन आपको यहाँ देते थे मद्रास में, दे दी एक, और एक आपको बम्बई में दे दी, ये दोनों आपने अपने ऑफिस में लगा दी, तो लैन पे जो काम हो रहा है, और उसके बाद में, और बहुत स्लो स्पीड हुआ करती थी वो, वैन की स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा स्लो। तो क्या होता था, कोई वो यहाँ से डेटा आपका उठाया उसने बॉम्बे से, वो गया आपके बीएसएनएल को या सीफी को, उसने वहां पर उसका जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस था, पीओपी बोलते थे उसको, वो पीओपी पर भिजवा दिया। अब वहां से वो मुंबई में, बॉम्बे में आपके ऑफिस पे पहुंच गया। तो वैन का काम ये था कि कंट्री के अंदर में स्टेटों को कनेक्ट करना, स्टेटों को, सिटियों को कनेक्ट करना, और आईएसपी जो इंटरनेशनल आईएसपी, उसका काम था हिंदुस्तान को अमेरिका से, अमेरिका को जर्मनी से, जर्मनी को, ऐसे कंट्री से कंट्री बाय कंट्री, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट कनेक्ट करना, तो ये उनका काम था। तो ये तरीका है वैन को कनेक्ट करने के लिए। तो पहले, ये पहले का तरीका, अभी मैं अभी का तरीका आपको बताऊंगा, अभी अभी क्या तरीका है। तो अब तो इस ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी लाइन, ये फिर आपके मॉडम से कनेक्टेड रहती थी, मॉडम की स्पीड कोई केबीपीएस पे रही होगी कि 100 केबीपीएस, 10 केबीपीएस, 5 केबीपीएस, और उसके ऊपर से कोई फाइल सेंड करनी है आपको, बिलिंग वाली कोई फाइल है वो इधर से उधर अपलोड करनी है, तो उसको 1 घंटे लगते थे, और उससे वो धीरे 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 टू 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 बजता ही रहता था। वो उसकी म्यूजिक ऐसी आती रहती थी, प्रिंटर की भी आती थी, जैसे पुराने टाइम के प्रिंटर प्रिंटरों की, तो वैसे बजता रहता था, उसके ऊपर लाइट वाइट जलती रहती थी, और वो फिर वो इन्फॉर्मेशन भिजवाता रहता था। तो ये तरीका था, ये तरीका है वैन को कनेक्ट करने के। तो उसी के दूसरे दूसरे उसके अंदर में भी टेक्नोलॉजीज थे, एटीएम टेक्नोलॉजी, फ्रेम रिलेटर अलग टेक्नोलॉजी, जिसको हमको देखने की जरूरत नहीं है डीप में, लेकिन समझ लेंगे तो ज्यादा ऐसा नहीं। तो वो कनेक्ट होता था सीरियल केबल से, जैसे ये आपका जो इथरनेट केबल है वो सीरियल केबल नहीं है, वो पैरेलल केबल है देखा जाए तो उसके अंदर में क्या, काफी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग केबलों से चली जाती है ना, सीरियल केबल इसको कहते थे। तो इसकी जो ये लीज लाइन है ना, ये इसके डेफिनेशन पढ़ लेंगे अपन, ना इसके डेफिनेशन पढ़ लेंगे। T1 E1 होता था, यूरोप का स्टैंडर्ड E1 था, और ये T1 बाकी जगहों का था, सभी जगहों का, मतलब ये दो प्रकार के स्टैंडर्ड थे इसके अंदर में, और उसकी स्पीड भी दी हुई। तो इनके रेफरेंस एक बार मैं थोड़ा आपको जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से बता देता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। लीज लाइन सर्किट, द वर्ड लाइन एंड सर्किट आर ऑफन यूज एज अ सिनोनिम इन टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी। सर्किट मेक्स रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन द टू एंड पॉइंट, तो दो एंड पॉइंट के बीच को सर्किट भी बोलते हैं, और लाइन भी, लीज मतलब ये लीज मतलब खरी वो करी वाले, रेंटेड रेंटेड लाइन,
है ना, सीरियल लिंक किसको बोलते हैं, द वर्ड लिंक एंड लाइन आर आल्सो ऑफन यूज्ड सिनोनिम, तो लिंक और लाइन भी सेम चीज हो गई. सीरियल इन दिस केस रिफर टू द फैक्ट दैट द बिट फ्लो सीरियली एंड देयर राउटर यूज सीरियल इंटरफेस, तो उनके इंटरफेस जो रहता था सीरियल इंटरफेस रहता था, और वो एक पैकेट पहले गया उसके पीछे दूसरे लाइन से लगा रहता था, दूसरा पैकेट तीसरा पैकेट चौथा पैकेट पैकेट ऐसा करके जाता था, सीरियली जाता था, इसलिए सीरियल लिंक बोलते थे. फिर है पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट लाइन और पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स. तो द टर्म रिफर टू द फैक्ट दैट द टोपोलॉजी स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में रहते थे. लैन जो है हमारा पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, लैन के अंदर में कैसा है कि मल्टी पॉइंट, सॉरी लैन से भी बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रेम रिले, फ्रेम रिले एग्जाम्पल है. फ्रेम रिले के अंदर में कैसा होता है कि एक लिंक तो आपने ली है यहाँ से, मतलब मुंबई से एक लिंक ली है, लेकिन बाकी कलकत्ता जर कलकत्ता बम्बई और तुम्हारा एक और क्या, दिल्ली दिल्ली कलकत्ता बम्बई तीन सिटी है जो है वो आपस में एक ही लिंक से तीनों लिंक कनेक्टेड कर देगा वो, तो मल्टी पॉइंट भी लिंक हुआ करती थी. लेकिन हालांकि वैन जो नेटवर्क वो वही जो टेक्नोलॉजी है फ्रेम रिले जो टेक्नोलॉजी थी वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट थी एक्चुअली. और जो दूसरी है लीज लाइन अगर लोगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट बन जाएगी है, कि ये यहाँ से एंड यहाँ से कनेक्ट हुई और वो दूसरे एंड पे एक ही जगह जाके कनेक्ट हुई. टी वन जो है सर्किट टाइप था इसका, तो दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिश लाइन ट्रांसमिट डेटा 1.544 Mbps पर सेकंड, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड हुआ करती. फिर इसके बाद में बहुत सारी चीजें एसटीएम वगैरह आए, एसडीएन नेटवर्क आ गया, तो एसडीएन नेटवर्क आने के बाद में फिर तो बहुत सारी चीजें हुई. फिर वो 35, 45, T3, E3, 30 Mbps और सॉरी 32 और 45 Mbps हुआ उनका, है ना. उसके बाद में फिर आया एसटीएम 1 जिसकी 155 Mbps स्पीड हुई, ठीक है. तो एसटीएम 1, एसटीएम 4, ऐसा एसटीएम 16, ऐसे धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा, है ना. तो ये वो चीज थी. प्राइवेट लाइन द टर्म रिफर टू फैक्ट दैट द डेटा सेंट ऑन द लाइन कैन नॉट बी कॉपीड बाय अदर टेलको, तो ये प्राइवेट लाइन भी कुछ हुआ करती थी ये चीजें. वैन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम. अच्छा अब अभी देखो हमने वो लैन के अंदर में जो प्रोटोकॉल पढ़ा वो था इथरनेट स्टैंडर्ड था वो, है ना, 802.3 उसका प्रोटोकॉल का नाम है 802.3, है ना. वैन पे दूसरा प्रोटोकॉल चलता था, तो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है आपका एचडीएलसी, तो ये है जो प्रोटोकॉल ये सिस्को प्रोप्राइटरी था. इसी का स्टैंडर्डाइज रूप जो हर नॉन प्रोटोकॉल नॉन वेंडर स्पेसिफिक था वो है पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो तीसरे लेयर पे जो तीसरे या दूसरे लेयर पे जो चलता है सॉरी दूसरे लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज करते थे वैन के अंदर वो अलग प्रोटोकॉल थे, वो थे एचडीएलसी और पीपीपी, है ना. ये दो प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज हुई. ये वाला प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड और ये वेंडर स्पेसिफिक है एचडीएलसी, ठीक. अब क्या है इसके आगे, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है. अब जिस तरह से इथरनेट का भी एक प्रोटोकॉल का फ्रेम था उस तरह इसका भी रहेगा, कोई भी डेटा को जाने के लिए एक बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा. तो ये बॉक्स इसका है, इसमें क्या है, बाइट फ्लैग एड्रेस कंट्रोल टाइप डेटा और एफसीएस. इसके अंदर में भी लेयर टू पे तो एफसीएस लगता ही लगता है, तो ये इस तरह का बक्सा बनता है सिस्को वाले का. पीपीपी का दिया है कि नहीं, नहीं दिया होगा, ठीक है. तो ये इस तरह का बॉक्स बना. अब ये पूरा एंड टू एंड कम्युनिकेशन है देखा जाए तो, ये रहा आपका लैन नेटवर्क और ये लैन टू रहा, और बीच में हमने वैन का इस्तेमाल किया. तो वैन में ये क्योंकि सिस्को की किताब है तो सिस्को ने एचडीएलसी इस्तेमाल किया, अगर कोई और होता तो यहाँ पर पीपीपी इस्तेमाल करता. ये सिस्को स्टैंडर्ड दूसरे डिवाइस पे भी चल जाता है ना, लेकिन पीपीपी अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो सभी डिवाइसों पे चलेगा, फिर 200 डिवाइस पे चलेगा. एचडीएलसी जरूरी नहीं कि सब पे चलेगा, दो चार मेजर वाले जो थे जूनिपर वगैरह ने एक्सेप्ट किया उसको चलाना, तो उसके लिए उन्होंने उनके बीच में कोई मॉनिटरी टर्म पे कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि तुम्हारा प्रोटोकॉल मैं चलाऊंगा और उसके लिए मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ. लेकिन पीपीपी चलाने के लिए एक ही बार इनको जो भी कंसोर्टियम जिसने बनाया है उसको एक बार पैसे देंगे और सभी लोग देखो, ये स्टैंडर्डाइजेशन करने का फायदा ही हुआ है ना. अभी कंज्यूमर को क्या लेने देना, क्या करना उससे, कुछ नहीं करना है ना. अगर 10 प्रकार के अलग अलग डिवाइस है आपस में अगर बात ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो कंज्यूमर को ही होगी ना. अब उन्होंने क्या किया कि 10 प्रकार के वेंडरों ने आपस में डिस्कस करके कंसोर्टियम बनाई और उसके अंदर में फिर पीपीपी के पैसे, आप देखेंगे तो ज्यादातर चीजें सिस्को की डेवलप्ड थी
उस टाइम पे, और उस कंसोर्टियम में भी सिस्को के लोग थे। तो पहले जो प्रोटोकॉल सिस्को इम्प्लीमेंट करता था, साल भर चलाता था, उसके बाद में उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता था, फिर सारे लोगों को मिलता था, फिर सारे लोग चला था। पहले वो उसका बेनिफिट उठा लेता, मार्केट में मार्केट किंग है, तो वो उसका इस्तेमाल करके उसका एक्सपेंशन होता था, बार बार उसको प्रमोट करने के लिए चीजें कि भाई मेरे पास नया प्रोटोकॉल है। फिर एक साल बाद में क्या होता था कि वो स्टैंडर्ड वो फिर बांट देते थे एज ए स्टैंडर्ड। तो HDLC इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद में थोड़े सालों के अंदर में PPP भी आ गया। तो इस तरह से चीजें चलती रही, है ना। इथरनेट, हाँ, अब जो बात है कि आज के दौर में अब इथरनेट स्टैंडर्ड भी आपका वैन प्रोटोकॉल के अंदर कंसीडर होने लगे, है ना। अब आप वैन पे भी इधर इथरनेट का केबल लगा दो, कॉप वो वाला तुम्हारा फाइबर वाला, और उस साइड पे भी इथरनेट वाला लगा दो, या केबल कोई सा भी हो, इथरनेट इज आल्सो हैज गेन द क्या बोलना चाहिए, द रिस्पेक्ट ऑफ वैन प्रोटोकॉल। पहले वो लैन प्रोटोकॉल ही होता था। द बिग रिफर टू पर्टिकुलर इथरनेट वैन सर्विस विद अ कपल ऑफ कॉमन नेम्स। देखो जो इथरनेट की वैन सर्विसेज है उसको इस तरह से नाम दिए हुए हैं, इथरनेट वैन, इथरनेट लाइन सर्विस, इथरनेट इवोल्यूशन, इथरनेट ओवर MPLS। तो ये स्टैंडर्ड इथरनेट भी अब क्या है, आपका वैन में भी चल सकता है। तो ये है सब इंफॉर्मेशन अबाउट ओके नेटवर्क लॉजिक, क्लाउड फॉरवर्डिंग लॉजिक, फॉरवर्डिंग लॉजिक और उसका ओके नहीं बताया मैंने शायद ना अभी, मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। देखो फॉरवर्डिंग और ये रहा शायद हाउ नेटवर्क लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस लैन एंड वैन, हाँ ये रही कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट इसका समझने वाला ये है कि हाउ नेटवर्क लेयर राउटिंग यूजेस लैन एंड वैन। तो वैन और लैन के जो प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लैन के प्रोटोकॉल है उसको हम बोलते हैं IGP, है ना, और वैन का जो प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं हम EGP। IGP का फुल फॉर्म है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आप अपने कंपनी के अंदर जो प्रोटोकॉल चलाओगे वो चलाओगे IGP, हाँ IGP प्रोटोकॉल चलाओगे, क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंस तो है ही, इसलिए प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है। तो IGP के अंदर में आते हैं आपके ISIS और OSPF। तो ये अंदर ही चलेंगे आपके नेटवर्क में, बाहर जब आपको जाना है तो EGP यूज करेंगे। और EGP का एकमात्र एग्जाम्पल और प्रोटोकॉल, एकमात्र प्रोटोकॉल जो है EGP के लिए इस्तेमाल में आने वाला, ये पिछले 30-40 साल से वही है, जिसका नाम है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो वो इस्तेमाल होता है, ठीक। अब ये तो बात आपके समझ में आ गई, राइट। अब इसमें कैसे ये किस तरह से कम्युनिकेट करेगा इन प्रोटोकॉलों को इस्तेमाल करके, वो देखो आप, है ना। तो पहले Layer 2 पे देखते हैं कैसे करता है। इथरनेट में डेटा बन के आया, वो राउटर पर गया, इथरनेट से फ्रेम चेंज हुई, और यहाँ पर वो Layer 2 की फ्रेम चेंज करके जो डेटा आया था उस पे HDLC की फ्रेम लगाएगा, और वो भिजवा देगा अपने पड़ोसी वैन डिवाइस को, वैन राउटर को। वो क्या करेगा, उसको डी एनकैप्सुलेट करेगा, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा वापस से इथरनेट वाली में, मैक लगाएगा उसके ऊपर में, इथरनेट की फ्रेम लगाएगा, और वो फिर फॉरवर्ड करेगा लैन के ऊपर में। तो ये हो गया फॉरवर्ड करने के लिए। अब ये इसी को हम बड़े रूप में देखते हैं, इसी को हम बड़े रूप में देखते हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि ये कैसे कर कैसे पा रहा है, ये कैसे वहां से वहां तक कैसे जा पा रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन के, सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जा रहा है। ये सारे हाउ IP प्रोटोकॉल हेल्प IP राउटिंग, इसके अंदर में ये स्टेप्स दी हुई है। ईच राउटर इंडिपेंडेंट ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल ऐड ए राउट टू इट राउटिंग टेबल फॉर ईच सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर। ईच राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल टेल इट्स नेबर अबाउट द राउटर इन द राउटिंग टेबल, इंक्लूड द डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर एंड राउटर राउट्स लर्न ऑन द अदर राउटर आफ्टर लर्निंग ए नेटवर्क न्यू राउट फ्रॉम ए नेबर। द राउटिंग प्रोटोकॉल एड ए राउट टू द टेबल विद द नेक्स्ट होप राउटर ऑफ दैट राउट टिपिकली बिंग द नेबर फ्रॉम विच द राउट वॉज लर्न। तो यहाँ दिया इसने एग्जाम्पल। अब कैसा हुआ कि ये वाला राउटर के बीच में जो प्रोटोकॉल चल रहा है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में चल रहा है, ये दोनों के बीच में चल रहा है, अब तीन कर दिया ना, यहाँ पर तीन बढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। और ऐसा तीन नहीं होता, 3000 भी हो सकते, 300 भी हो सकते हैं बीच में, ठीक है ना। तो ये अब हम जो
टॉपिक समझ रहे हैं वो ये समझाने के लिए कि इसके बीच में कैसा वार्तालाप होती है और उसमें कौन कौन क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और क्या 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 करते हैं वो, है ना। तो मैं आपको इससे भी बेहतर कुछ अगर हो इसमें को, हाँ ठीक है, यहीं खत्म होने वाला है इसके बाद में, तो मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। कैसे बताना है, पेंट वो इस्तेमाल करके बताता हूँ, रुको। हाँ ओके, देखो ये हमारा हो गया लैन, ये हमारा हो गया लैन, ठीक है, ये हमारा हो गया वैन, ये हमारा हो गया वैन। ये जो PC1 दिखाया है, मेरा इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पर आपको ऐसा दिखा सकूँ कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, एंटरप्राइज बहुत बड़ी है, बड़ी है, अलग अलग, ठीक है। ऐसे कर देते हैं इसको, अब यही लाइनों को हम और भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैन में भी कई सारे डिवाइसेस हैं और लैन में भी कई सारे डिवाइसेस हैं। ओके, नोटेशन बंद कैसे होता है, टेक्निकल टर्म्स। ओके ठीक है, नहीं करना बना मैं भी। नाउ अब क्या हुआ कि आपको समझ में तो ये अब बात आई गई थी कि वैन के अंदर में यहाँ पर एक वैन वाला प्रोटोकॉल का फ्रेम बनेगा और वो आपस में वही चलता रहेगा। ये एक दूसरे के बीच में कोई अलग अलग प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं। लेयर टू पे आपके, हम अज्यूम करते हैं कि HDLC ही है, ठीक है। तो Layer 3 पे जो प्रोटोकॉल यहाँ पर काम आएगा वो है BGP, इनके बीच में, इनके बीच में काम आएगा OSPF, OSPF इनके बीच में जो काम आएगा वह है OSPF, और यहाँ पर जो काम आएगा वह है BGP, BGP। ओके, तो क्या होगा कि प्रोटोकॉल चालू हुए, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक राउट लर्निंग। तरीका यह है कि एक हो गया स्टैटिक और एक हो गया डायनेमिक। एक तरीका यह है कि मैं इसके अंदर राउटर R1 में लॉग इन करूं और यहाँ पर टाइप करूं IP राउट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का इंटरफेस है ना, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क और डेस्टिनेशन का इंटरफेस, मतलब ये वाला इंटरफेस। तो मैं यहाँ लिख के क्या बता रहा हूँ R1 को, सपोज मेरे को 100 कितना है, 150, 150 4 0 सबनेट नेटवर्क में पहुंचना है, इस नेटवर्क में जाना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, IP राउट डेस्टिनेशन 150 150 4 0 225525255.0, ये इसका मास्क हो गया मास्क, और भिजवाना किससे है, S00 से। तो मेरी एंट्री हो गई इसके अंदर में, जिसमें एंट्री हुई इस राउटर के अंदर में, उसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल बोलते हैं, और डीप में जाएंगे तो जो आफ्टर एनालिसिस जो रिजल्ट में बनता है, जिसको देखकर पैकेट फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं, वो उसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। वो वाले टेबल के अंदर लिख दिया मैंने स्टैटिक्स, अपने हाथ से स्टैटिक कमांडिंग स्टैटिक है ना, इसका मतलब हाथ से लिख दिया कि 150 150 4 0 पे अगर जाना है तो आपको S0 पर वो फ्रेम को डाल देना है, और डेस्टिनेशन एड्रेस में यहाँ का जो एड्रेस दिया होगा वो रहेगा और सोर्स एड्रेस में इधर का एड्रेस रहेगा इसका, ठीक है। ऐसा कर दिया मैंने, तो ये एक तरीका हो गया। अब बन गया हमारे टेबल। अब PC से कोई चीज आई इस नेटवर्क के लिए, राउटर देखेगा उसको, समझेगा, समझने के बाद में उसे पता क्या चला कि जो भी आए इस नेटवर्क के लिए उसको मैंने बोला है, चंद्रशेखर ने बोला है कि उसे S0 पर डाल देना। ऐसे ही यहां पर भी एंट्री करूंगा मैं, ऐसे ही यहां पर भी एंट्री करूंगा मैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जाने की भी ऐसी एंट्री करूंगा। यहाँ पर समझ लो 140 का नेटवर्क था, सपोज भी सपोज कि 140 वाला .140.4.0 ये एज्यूम करते हैं अपन, तो इसके विपरीत डायरेक्शन की भी ऐसी एंट्री करूंगा। और क्या होगा, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है, नेक्स्ट हॉप क्या है तो ये है, नेक्स्ट हॉप इंटरफेस कौन सा है तो ये है, सबनेट क्या है ये है, ऐसी सब जगह एंट्री है, देख रहे हो।
तो तब मेरा कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। अब मेरे हमने जो भी नेटवर्क बनाया था उसका काम नहीं ये था ना कि कम्युनिकेशन हो, एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ में, तो ये हो गया। यही चीज हम नहीं चाहते, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर 1,000 भी राउटर हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वैन के अंदर में भी। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने हाथ से लिखी है, वो हाथ से ना लेकर मैं अगर कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करूँ जिसका नाम मैंने पहले ही आपको बताया है, बीजीपी, तो बीजीपी क्या करेगा, यही सब चीज डायनेमिकली करेगा, खुद ही लर्न करेगा और खुद ही इसको अपडेट करेगा राउटिंग टेबल के अंदर में। फिर राउटिंग टेबल के अंदर में कई सारे इंफॉर्मेशन होगी, जब मैं इतना कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क मैश टाइप का है, अलग अलग जगह से कनेक्टेड है, तो उसमें का जो बेस्ट राउट है वो राउटिंग टेबल निकाल के फॉरवर्डिंग टेबल में डाल देगा यहाँ पर। अब कोई भी डेटा जो आया उसको इस दूसरे डेस्टिनेशन पर भिजवाने के लिए राउटर चेक करेगा, और फॉरवर्डिंग टेबल के ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें के मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस निकाल के चिपका देगा। जब चिपका देगा और फॉरवर्ड कर देगा, तो यहाँ पर वो R2 की जगह सपोज करते हैं R27 था, वो उसकी डाली है, तो उसके पास जब आएगा वो देखेगा अरे R27 मेरे लिए है इन्फॉर्मेशन, तो वो लेगा, फिर वो चेक करेगा कि इसके अंदर सोर्स तो ये था, डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन इधर का उसके लिए कौन सा रास्ता है, तो वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, फॉरवर्डिंग टेबल में देखेगा, फॉरवर्डिंग टेबल में दिखेगा उसको कि F00 पे डालना है उसको, तो वो F00 पे डाल देगा। इसी प्रकार वाइस वर्सा ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। ये जो स्टेप्स दी हुई है वो इसी के अंदर की स्टेप है। जो दूसरे दो तीन प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में, वो है DNS की, तो आपने google.com डाला, google.com आपने जो वेब ब्राउजर के अंदर में डाला वो तो एक इंग्लिश नाम है, कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो इंग्लिश नाम समझते नहीं, वो तो आईपी एड्रेस पर ही काम करते हैं, उनको तो आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए है, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो सर्वर यूज में आता है उसे DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपने जो ब्राउजर में google.com डाला तो इंटरनली वो एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हुआ, और वो आईपी एड्रेस आपका, वो आईपी एड्रेस जो है वो आपके उस पैकेट के ऊपर में, उस फ्रेम के ऊपर में जाके लगेंगे, ठीक है, और उसके बाद में वो सेंड होंगे, उसके बाद में वो डेटा आपका सेंड होएगा सामने की तरफ में। तो ये सारा टॉपिक था चैप्टर 1 के अंदर में। चैप्टर 1 ही इतना बड़ा हो गया, तो मुझे लगता है कि दूसरे चैप्टर के लिए, नहीं, हमने सारे चैप्टर देख लिया आई सपोज, आई एम सॉरी। तो ये जो है ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन और नॉलेज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर में, जो कि हमने देखा। ओके, आर्प और ICMP छूट गया। तो आर्प जो है, जैसा मैंने आपको ये बताया कि होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस सर्वर का इस्तेमाल होता है, डीएनएस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, वैसे ही आर्प जो है आपका आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए मैक एड्रेस में आर्प का इस्तेमाल होता है। पिंग कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ये ट्रेस करता है, या ये एंड टू एंड इस एग्जाम्पल के अंदर में आपके, सपोज मैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मुझे मुझे चेंज करना है। एनोटेशन चालू तो कर दिया, बंद करना नहीं आ रहा है, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो होती रहती है। हो गया बंद, क्लियर एनोटेशन करके कुछ है क्या? सॉरी, ये बाद में समझेंगे, बाद में सीखेंगे उसको। तो पिंग जो है, पिंग एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से यहाँ तक कि उसको कनेक्टिविटी अगर चेक करनी है तो यहाँ पर कमांड चलाएगा वो पिंग। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एंड डेस्टिनेशन मेरा 4.1 था, तो पिंग 150.150.4.0.1 था, यहाँ से 10 है तो सही, 10 ये एक होस्ट आईपी है, तो इसको मैं इस तरफ से पिंग करूंगा, तो ये यहाँ तक पिंग होना चाहिए, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी सही है। और अगर इस उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके नहीं हुआ तो मैं यूज करूंगा, प्रोटोकॉल नहीं है वो, एक तरह का एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रोटोकॉल उसके अंदर ICMP इस्तेमाल होता है,
ट्रेस का इस्तेमाल करूंगा। ट्रेस क्या करता है, होप बाय होप चेक करता है कि डिस्कनेक्ट, पहले वो यहाँ को पिंग करता है, पिंग जैसा आईसीएम पे इस्तेमाल करके, फिर यहाँ को करता है, फिर यहाँ को करता है, फिर यहाँ को करता है। तो इनमें से कहाँ तक की कनेक्टिविटी वो ट्रेस कमांड से पता चल जाएगी। तो ये बोनस ट्रेस कमांड जो है वो मैंने आपको बोनस बताया। तो ये है आज का पूरा आपका तीनों चैप्टर पार्ट वन फिनिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और यदि आपको कुछ इसमें दुविधा, कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।